For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. की जाए आज की कार्रवाई शुरू। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो सेटिंग अप में किस पोर्शन को स्टार्ट किया था, लेबर लॉ वाले पोर्शन में आए थे जो हमारे 40 मार्क्स का है। जब हम वहां पे आए तो वहां पे हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा कि बड़े सारे लेबर लॉ हमारे पास है। जो बहुत सारे हमारे पास लेबर लॉज है उन लेबर लॉज में हमने सबसे पहले कौन सा लेबर लॉ शुरू किया था, फैक्ट्रीज एक्ट को स्टार्ट किया था। फैक्ट्रीज एक्ट इसीलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा लेबर लॉ हमारा डिपेंड करता है। लेबर लॉ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया आपके कोर्स में, इसीलिए दिया गया क्योंकि लेबर लॉ का ऑडिट कौन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी करेंगे। और ऑडिट का मतलब होता है प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे। लेबर लॉ इसलिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी लेबर कहीं काम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उनके साथ जाती ना हो, उन्हें सही अमाउंट पे काम करने को मिले, सही समय पे पैसे मिले और सही फैसिलिटीज के साथ वो कर सके, काम कर सके। अगर वो बीमार पड़े तो उन्हें भी सिकनेस बेनिफिट वगैरह मिले, उन्हें भी प्रोविडेंट फंड, जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी कुछ पैसे मिले ताकि उनके भी घर का चूल्हा चौका क्या हो सके, चल सके। अगर काम के दौरान कहीं कुछ जो है वो हादसा हो जाए तो उन्हें कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान रख करके क्या बना, ढेर सारे लेबर लॉज बने जिसमें से हमने फैक्ट्री एक्ट स्टार्ट किया था। फैक्ट्री एक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फैक्ट्री के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं, फैक्ट्री एक्ट के बारे में कुछ कहते हैं तो यह कहता है कि मैं तभी अप्लीकेबल होगा जिस जगह का नाम क्या होगा, फैक्ट्री होगा। और फैक्ट्री उस जगह को कहेंगे जिस जगह पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्लोज एरिया में हो रहा हो या ओपन एरिया में हो रहा हो, वो फैक्ट्री का ही पार्ट कहलाएगा। अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए बिजली, पावर जनरेटर, किसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है तो पिछले 12 महीनों में एक भी दिन, एक भी पल के लिए कितने लोग होने चाहिए, 10। लेकिन अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए। ये 10 और 20 लोग जो है ये हमने पढ़ा था कि जितने भी जगह पे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है, जितने भी जगह से वो रिलेटेड है, चाहे वो गोडाउन हो गया चाहे स्टोर हो गया, उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद ये 10 और 20 के नंबर को हम काउंट करेंगे। फिर हम लोगों ने यहां पे देखा था कि किन किन जगहों पे ये फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। रीजन ये है कि वहां फैक्ट्री के डेफिनेशन फुलफिल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है, 10-20 पीपल भी काम कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वहां एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फैक्ट्रीज एक्ट में जितने बेनिफिट और जितना प्रोटेक्शन दिया है लेबर को, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन क्या किया उन्हें, ऑलरेडी जो है वो उनको इन एक्ट्स में दे दिया, इसीलिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। प्लस वहां काम का नेचर इस तरह के से है कि वहां पे डेडिकेटेड और स्पेसिफिक कुछ प्रोविजन होने चाहिए उस तरह के, किसके लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, उस तरह के काम करने वाले लोग के, जैसे माइनिंग वगैरह का काम है, बहुत नीचे होता है, कभी वहां पे केमिकल निकल जाता है, कभी पानी निकल जाता है, कभी अलग अलग तरह के चीज जो है निकलते, कभी कभी हीरा वगैरह भी निकल जाता है। लेकिन पता है जो डायमंड वगैरह निकलते वो बेचारे उन लेबर्स को नहीं मिलते हैं, वो मालिक को मिलता है। लेकिन अगर वहां पे गैस निकला, अगर वहां पे पानी निकला तो मरते वक्त कौन आगे रहते हैं, लेबर ही, क्योंकि मालिक तो घर में रहते, वो खदान के नीचे नहीं उतरते। लेकिन सारा मैकेनिज्म बना था उनके, यहाँ पे जो आप टॉर्च देखते हैं वो सिर्फ टॉर्च ही नहीं होता, उस टॉर्च में इनबिल्ट हाई सेंसिटिव जो है वो एक चिप जैसा होता है जो हर तरह के प्रीसियस स्टोन को समझ जाता है। आपने नहीं भी देखा तो भी वो अलार्म दे देगा कि यहाँ पे कोई क्या है, स्टोन जैसा चीज है। जैसे आप मेटल डिटेक्टर नहीं देखते हैं कैसे बीप बजता है, वैसे प्रीसियस स्टोन के लिए वो डिटेक्टर उसमें होता है जिससे पता चल जाता है। ठीक है, रामदीन ने नहीं देखा क्योंकि वो तो काम कर रहा, दिखेगा कैसे, ऐसा थोड़ा ना कि कोहिनूर का हीरा जैसा वो रहेगा, वो तो कोयले के भीतर जैसा एम्बेडेड रहेगा। लेकिन जैसे उतने दूरी में जाएगा यहां पे अलार्म आ जाता है और उससे वो पता कर लेते हैं कि कौन कहां पे है। एनीवे, फिर हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, और इसके बाद हमने देखा था प्रीमाइसेस और किसके बारे में, प्रिसिंक्ट्स के बारे में। फिर हमने जो है कुछ केस लॉ पढ़े थे जहां हमने देखा था कि अगर कोई एक्टिविटी यहां हो रहा है और कोई एक्टिविटी इससे जुड़ा हुआ है, उसी एक्टिविटी जैसे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो रहा हो वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे, हमारे लेबर कहलाएंगे, सारे जगह मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा और उन सबके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यानी उन सारे लेबर्स को आपको फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे। फिर हम लोगों ने यहां पे कुछ बात की थी कैंटीन वगैरह को लेकर के, कि अगर जो है वो किसी जगह कैंटीन है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कैंटीन बनाया हुआ है, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर चलाता है, तो कैंटीन के जो वर्कर होंगे उनको आप इस दायरे में रखेंगे या नहीं रखेंगे। कहा गया कि उनको भी हम इस दायरे में रखेंगे और उनको भी मानेंगे कि वो इसी जो है वो ऑक्यूपायर का क्या है, एम्प्लॉई है।
फिर हमने कहा कि जो भी प्रोविजन हम पढ़े हैं और जो पढ़ने हम जा रहे हैं उन सब के अकॉर्डिंग, अभी हमने प्रोविजंस नहीं पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है प्रोविजंस वगैरह। तो फैक्ट्रीज एक्ट के जो जो प्रोविजंस है कि किसको कितनी सुविधा दे, कितने लोग काम करे, कितना स्पेस रहना चाहिए, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, कितने घंटे काम करे, लेडीज कितने देर काम करे, बच्चे का इम्प्लॉयमेंट हो सकता है नहीं, कितने एज के बच्चे काम कर सकते, कितने आर काम कर सकते हैं, क्या मल्टीपल जो है वो शिफ्ट में काम कर सकते, शिफ्ट कब चेंज होगा, ऐसे जो भी तरह के चीज रहा, कहा इन सबको फुलफिल करने की जिम्मेदारी जिस शख्स के ऊपर होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम ऑक्यूपायर है। कहा कि अगर फैक्ट्री इंडिविजुअल चला रहा है तो वो इंडिविजुअल या जिसके कंट्रोल में सब कुछ हो, जिसके कहने पे सब कुछ हो, वो क्या कहलाया, ऑक्यूपायर। अगर पार्टनरशिप फर्म है वो फैक्ट्री को रन कर रहा है तो जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर क्या कहलाए, ऑक्यूपायर। बट इन केस ऑफ कंपनी, हमने इस पे केस लॉ वगैरह भी किया था, सिर्फ और सिर्फ कौन, ओनली डायरेक्टर्स, सारे के सारे डायरेक्टर क्या कहलाएंगे, ऑक्यूपायर कहलाएंगे, कोई भी इंप्लॉय जो है वो ऑक्यूपायर नहीं कहलाएगा। और हमने इस पे केस लॉ किया भी था, ऐसा इसीलिए कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर जानबूझ करके जो है किसी इंप्लॉय को अपॉइंट कर दे और इंप्लॉय को अपॉइंट करने के बाद क्या कहें, इंप्लॉय को अपॉइंट करने के बाद कहे कि हमने सारा प्रिकॉशन तो ले लिया और यही पर्सन इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए हमने उसको भी इस दायरे में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। किसको, जितने भी तरह के आपके जो है वो डायरेक्टर है, जिस भी नाम से आप डायरेक्टर को पहुंचाए, उसका नाम मैनेजिंग डायरेक्टर रख दीजिए चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख दीजिए, वो सारे के सारे डायरेक्टर अकाउंटेबल होंगे किस चीज के लिए, फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन के लिए, क्योंकि उनको हम कौन सा स्टेटस देने जा रहे हैं, ऑक्यूपायर का। हमने इस पे केस लॉ भी देखा था। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि अगर जो है वो ऑक्यूपायर जो है वो बिजनेस शुरू करेगा, यानी कि कंपनी है तो डायरेक्टर, क्योंकि हम नारा ज्यादा कंसर्न कंपनी को लेकर के है, जब हम ऑडिट के लिए जाएंगे तो शायद ही आपको ऑडिट में कोई इंडिविजुअल बुलाएगा जिसका अपना फैक्ट्री हो, जब भी फैक्ट्री वगैरह होगा तो किस फॉर्म में वो बन जाते हैं, तभी तो वो बिजनेस कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जब भी आपको कोई कंपनी बुला रही है ऑडिट के लिए, तो सबसे पहला चीज है कि जो उसके ऑक्यूपायर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको बिजनेस शुरू करने से कितने दिन पहले, पहला बिजनेस शुरू करें कितने दिन पहले कम से कम, और मैंने आपको ये कहा था ये 15 डेज, 15 दिन, ये सब क्यों याद रखना है, कहां का पार्ट हो सकता है, और उतना ही नहीं केस लॉ में भी हो सकता है, जानबूझ करके हम केस लॉ में ऐसे जगह जहां पे डेट है, ऐसा जगह जहां पे ऑथोरिटी का नाम है, याद रखिएगा उन्हीं जगहों से क्या क्रिएट होता है, केस लॉ। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आप देखिएगा इतने दिनों के भीतर नोटिस देना, इतने दिनों में ये करना है, वहां पे केस बना देगा कि उसने इतने दिनों में किया, एडवाइस कीजिए। अब आपको प्रोविजन पहले बताना रहेगा, कंपनी लॉ में भी जब आप लिख रहे होंगे तो सेम ही तरीका रहेगा आपका, कौन सा तरीका, पहले क्या लिखा, मैम आपको बताएंगी भी दोबारा भी, फिर भी आप जो भी यहां पे सुन रहे हैं वो सब जगह के लिए क्या रहेगा, एप्लीकेबल, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूल है केस लिखने का, हमेशा प्रोविजन क्वेश्चन को एक बार मार्क कीजिए, उसके बाद रेलिवेंट केस लॉ, केस लॉ नहीं बोलूंगा, रेलिवेंट केस लॉ, और उसके बाद कंक्लूजन। तो यहां पे हमने देखा था कि अगर सीजनल फैक्ट्री है तो सीजनल फैक्ट्री के केस में हर बार जब भी आप जो है वो सीजन में स्टार्ट करेंगे बिजनेस को तो क्या करना रहेगा, कितने दिन पहले, 30 डेज पहले जो है वो नोटिस देना रहेगा। इसका मतलब अगर सीजनल वर्क शुरू करने जा रहे हो, पहली बार सुगर केन का बिजनेस आपने लगाया, कितने दिन पहले बताएंगे, ठीक है, एक सीजन में काम किया और बंद कर दिया फैक्ट्री, पॉसिबल, क्योंकि खत्म हो गया सारा जो भी सुगर केन था, अब फिर शुरू करने जा रहे, अब बताएंगे या नहीं बताएंगे, ठीक है, आपने जो है वो प्लास्टिक के चेयर्स और प्लास्टिक के मग बाल्टी बनाने का फैक्ट्री बैठाया, पहली बार आपने बिठाया, कितने दिन पहले जो है नोटिस देंगे, और उसके बाद कब फिर 30 दिन पहले का नोटिस देंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि ये सीजनल फैक्ट्री लगातार चलता रहेगा, अगर लगातार नहीं चला, बंद हुआ तो सारा प्रोविजन आपको कंपनी से जुड़ करके आएगा, जब हम डोरमेंट कंपनी वगैरह के प्रोविजन को पढ़ेंगे, कुछ चीज मैं भी बताऊंगा उसमें आपको, फिलहाल हमें दोबारा वहां बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीजनल के केस में आप कहेगा सर अगर लगातार भी हम काम कर रहे हैं तो आपको एक बार स्टेटस किसका लग गया है, सीजनल का, तो आप जो है वो हर बार शुरू करने से पहले बताइए कि भाई ये सीजन का काम खत्म हो गया, अब हम इस सीजन का क्या करने जा रहे हैं, फिर से शुरू करने जा रहे हैं, चाहे फ्लावर मिल हो तो भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई फ्लावर मिल है, आटा जहां बनता है, कहीं पे भी वर्ड समझ में नहीं आएगा, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आप देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूं, जो भी चीज आपका रहता है वर्ड वगैरह, ताकि आपको लगे कि बिल्कुल हमें ना पहले नॉलेज जो है वो रिसीव करना है। मेरी कुछ क्लासेस जो सिर्फ इंडिया के बाहर जाते हैं, वहां पे आपको एक भी वर्ड नहीं दिखेगा जो हिंदी का रहता है, वो सिर्फ उसमें जाता है,
तो वहां उनके लिए वो क्या होता है, कन्वर्सेशन करना या उनके लिए जो ये अंडरस्टैंड करना आसान होता है। अगर आपको कोई भी वर्ड लगे जो थोड़ा सा भी दुख देता है तो प्लीज ये नहीं कि इसका मतलब ये होता होगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा चीज है कि मैंने आपको बताया फाइन का ही मतलब दो निकल के आता है, तो ठीक वैसे ही और भी तो कोई वर्ड हो सकता है जिसका मल्टीपल सेंस निकल के आए, तो ऐसा कोई भी चीज रहेगा तो उसको क्लियर हम जरूर करेंगे। तो अब देखिए फ्लावर आटा मिल है, अब अगर मान लीजिए कि आटा मिल सीजनल भी हो सकता है और नॉन सीजनल भी हो सकता है, यस और नो मुझे बताइए, गेहूं क्या सालों भर उगते हैं, क्योंकि ये तो खेतों में किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्टोर करके रखा है और उसे बार बार ला करके कर रहे हैं तो आपकी कभी बंद होगी दुकान? मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन आईटीसी का ही एक ब्रांड है आशीर्वाद आटा, मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं और प्रचार करना मेरा कहीं भी इरादा नहीं है, एग्जाम्पल आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, इसलिए मुझे बताइए कोई ऐसे जिन्होंने आशीर्वाद आटा का नाम ना सुना हो? सुनते होंगे आशीर्वाद आटा, क्योंकि आशीर्वाद के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आशीर्वाद आटा क्लासमेट भी आईटीसी का ही है, तो कंपनी का नाम आईटीसी है, लेकिन जहां फैक्ट्री लगा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आशीर्वाद आटा कर रहा है या विल सिगरेट? विल सिगरेट भी उन्हीं का है, किनका? आईटीसी का ही है। जूस भी वो जो है वो बनाते हैं, ट्रॉपिकाना या कुछ ऐसे नाम से शायद, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इसलिए शायद लगा रहा हूं, नीचे आईटीसी ही लिखा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि वहां पे सालों भर जो है वो लगातार जो है फ्लावर मिल में आटा जो है वो पिसाई हो रही है, तो बताइए उनको 30 डे वाला कंप्लायंस करना है, क्योंकि उन्होंने स्टेटस ही नहीं लिया है किसका, सीजनल फैक्ट्री का। स्टेटस कब मिलेगा? जब आपने प्रीवियस ईयर में कितने दिन चलाए हैं, बिल्कुल लेस देन 180 जो है वो डेज। अगर 180 दिन से कम आपका फैक्ट्री चला है तो ही आपको स्टेटस मिलेगा किस चीज का। अब मुझे एक चीज बताइए, हम जो है प्लास्टिक का चेयर बनाते थे 6-7 दिन पे फैक्ट्री बंद रखते थे, अब हमें सीजनल फैक्ट्री बोला जाएगा या नहीं? सोचिए, दे दिया ना थोड़ा सा ट्विस्ट। प्लास्टिक बनाने वाली जो है वो कंपनी है, सेलो हो गया, नीलकमल हो गया, इनके फैक्ट्री में काम हो रहा है, पूरे साल में फैक्ट्री में 175 डेज काम हुआ है, अब लग रहा है कुछ सोचना पड़ेगा, अगर नो कह रहे हैं तब तो गड़बड़ है, क्योंकि और सोचिए मैं आपको, अगर 175 डेज अगर सिर्फ हुआ तो आप सीजनल कह देंगे। सीजनल फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि कोई भी चीज जो है वहां पे अवेलेबल ही नहीं है रॉ मटेरियल, लेकिन ये चीज तो लगातार अवेलेबल है। अब इसको लेकर के 2-3 आस्पेक्ट आएंगे और ये पता है आप कम समझेंगे जब आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी पढ़ा दूंगा तो समझेंगे, तो वहां तक के लिए इसको बचा करके रखिए, क्योंकि इसमें शामिल होगा हमारे स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट, लॉक्ड आउट का कॉन्सेप्ट, लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट, स्ट्राइक ऑफ का कॉन्सेप्ट। आप कहिएगा सर ये सब भी कॉन्सेप्ट है, आपने स्ट्राइक वर्ड तो सुना होगा, लॉकआउट सुना है, लॉकआउट LOCKOUT, अब ये सब प्रोविजंस है जो सब मिलकर के होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओनर ने बंद रखा हो फैक्ट्री, हाँ या ना, ऐसा भी हो सकता है कि मजदूरों ने हड़ताल कर दिया हो, ये सब फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं उस केस में जब आप किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जब आप बात करने लगते हैं रेगुलर फैक्ट्री को सीजनल के दायरे में लाने के लिए। लेकिन अगर सीजनल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण है सीजनल, तो फिर इनमें से कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे हड़ताल हुआ हो या ना हुआ, वो सीजनल है, वहां पे 180 से ज्यादा दिन काम हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे वो चीज ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर जो है वो कहीं काम हो रहा है लेकिन 180 डेज काम नहीं हो पाया, तो बड़े सारे चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन ये आप जानेंगे तब जब लेबर लॉ में थोड़ा और हम क्या होंगे, बड़े होंगे। आप बोलिएगा सर बड़े तो हैं, आपसे भी लंबे हैं हम में से कुछ लोग, वो नहीं, जब इसमें हम थोड़ा और जो है वो ग्रो करेंगे। चलिए फिर हमने जो है वो कहा था कि जब वो नोटिस देंगे तो नोटिस में क्या करेंगे, नोटिस में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और पर्टिकुलर्स को मेंशन करेंगे, किस चीज को, कि भाई हमारे फैक्ट्री में क्या बनने जा रहा है, किस तरह से बनने जा रहा है, कितने लोग काम करेंगे, किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है, अगले 12 महीने में किस तरह का काम करेंगे। ऐसा इसीलिए ताकि रेगुलेटरी बॉडी जो भी चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो या और जो भी अथॉरिटी हो, उनको पता रहे कि भाई एक और जो है वो बिरादरी यहां पे खड़ा हुआ है और हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वहां पे भी जो लोग काम करें उनका ध्यान रखना है, हमें जाकर के वहां पे ऑडिट करना है, वहां जाकर के हमें सरप्राइज जो है वो चेक करना है, विजिट करना है कि सारे चीज क्या किए जा रहे हो, फुलफिल किए जा रहे हो। अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि मुंबई को बिल्कुल सजा दिया गया है, चमका दिया गया है, अगर न्यूज वगैरह सुनते प्लीज सुनते रहिएगा, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट।
आप जब इंटरव्यू के लिए आइएगा, मैं आपको बताऊं, CA CSCO में और MBA, इन तीनों तरह के लोगों के मैं इंटरव्यू बोर्ड में हूं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, और चूंकि दोनों किया हुआ हूं, MBA भी किया हुआ हूं, तो तीनों किया हुआ हूं, तो इसीलिए वो मुझे बिठाते हैं, मुफ्त में नहीं बिठाते, गरीब आदमी को कुछ पैसे देते हैं तो ही जो है उनके साथ पूरे दिन रिक्रूटमेंट में बैठते हैं, चाहे वो आपका रिबॉक कंपनी हो, चाहे वो आपका एडिडास कंपनी हो, या फिर आपका जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, ONGC हो, फिर आपका जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे मुझे, जब आपको शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा लेकिन जगहों पर दिख जाऊंगा। तो वहां पे जब मैं आपको दिख रहा हूं या चीजों को कर रहा हूं, तो वहां जब हम लोग रहते हैं और हम लोग जब किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो मकसद बस इतना ही होता है कि आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो आंसर कर पा रहे हैं। तो जब आप देखिएगा किसी भी जगह जब रिक्रूटमेंट हो रहा होता है, तो वहां पे उनका मेजर फोकस इसी बात पे रहता है कि आप जिन चीजों को करके आ रहे हैं उसमें आप कितना क्या है, कैपेबल है। फैक्ट्री के बारे में जो हम बात करते हैं कि अगर जो है वो कोई इंस्पेक्टर आएगा तो उनको पता तो होना चाहिए कि इन जगहों पे इतने लोग क्या हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं, हमें सरप्राइज विजिट पे जा करके ये देखना रहेगा। क्योंकि अगर हम बता करके जाएंगे, तो मैंने आपको बोला बता करके जाएंगे, तो G20 का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था मुंबई का, चमका दिया गया है, यानी कि चूंकि बता दिया गया है इसीलिए वो क्या कर दिया गया है, साफ सफाई सब कुछ कर दिया गया, इसीलिए बताया नहीं जाता है, और बिना बताए हुए जो है वो वहां पे जो है वो आपको क्या करेंगे, वो पहुंच जाएंगे। नहीं तो बता देंगे तो आज सारा सफाई कर लेंगे, ऐसे पहले जो यहीं पे केमिकल रहता था, गार्बेज वहीं पे रखा हुआ रहता था, लेकिन अगर बता दिया गया तो हर चीज क्या है, साफ सुथरा है। क्या आप सही जो है वो ऑडिट कर पाएंगे, क्या सही तरीके से उनको वो प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे, बस यही वजह होता है इन चीजों को क्या करने का, कन्वे करने का और इन चीजों को वहां पे बताने का। चलिए अब हमें जो है वो सारा का सारा कुछ यहां तक तो पता चला है, लेकिन अब जो है वो कहिए रियल पार्टी यहां से शुरू होगी। वो कौन कौन से प्रोविजन है जो हमें क्या करने हैं, कंप्लाई करने हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट, आप कहिएगा सर अभी तक टेलर था, तो सही बोले तो ये वार्म अप ही था फैक्ट्रीज एक्ट के लिए। अब फैक्ट्रीज एक्ट का क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहीं पे देखिएगा दूसरा एक्ट, शायद हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आज खत्म हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन इसी का कुछ एक्ट ऐसा होगा कि शुरू होगा खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में दो दो एक्ट उड़ जाएंगे, तो उसमें भी नहीं घबराना है सर, एक ही दिन में दोनों। तो इसीलिए जो चीज जितना है हमें क्या करना है, उतने तक देखते रहना है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है प्लीज पूछिए। ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर कोई दिक्कत है यहां तक में प्लीज पूछिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे हमने उनके जनरल ड्यूटीज को भी देख लिया था, क्या क्या ड्यूटीज है। अब देखिए जितने भी प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट के, वो सारे के सारे प्रोविजन कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, अब वर्ल्ड ऑक्यूपायर बोलते हैं, कंपनी है, हमारे केस में ज्यादातर कंपनी से ही हम टकराएंगे, लेकिन वो जितने भी तरह के फैसिलिटीज हैं अगर आप देखेंगे तो मेजरली मैं कह रहा हूं वो है कन्वीनियंसेस, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस, वेलफेयर, सेफ्टी से रिलेटेड। और अगर कोई खास तरह का जो है काम हो रहा है, जिसको हैजार्डस एक्टिविटी अगर हो रहा है, तो उनके ऊपर कुछ और भी प्रोविजंस हैं। कुछ प्रोविजंस होंगे जो हर फैक्ट्री पे लगेगा, और कुछ प्रोविजंस होंगे जो एक खास नंबर से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो अप्लीकेबल होगा, वरना अप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे जनरल प्रोविजन सब पे अप्लीकेबल होंगे, लेकिन कुछ खास तरह के प्रोविजन तब अप्लीकेबल होगा जब आप जो प्रोडक्ट बना रहे वो हैजार्डस है। हैजार्डस का मतलब जो है ये नहीं होता इलीगल। आप देखिए कल भी मैं न्यूज की बात आपको बार बार कह रहा था कि न्यूज सुनने की आदत इसलिए रखिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में आएंगे ना, तो उस दिन हमने देखा है CA CSCMA और MBA वाले कम, लेकिन ये तीन बच्चे सबसे कमजोर होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में। ये आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा काम आपसे मीठा बोलना नहीं है, मेरा काम सिर्फ वो बोलना है जो आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको खुश करने के लिए, मैं आपको यहां पे एजुकेट करने के लिए हूं। तो मेरा काम यहां पे जो है वो आपको जो है वो क्या करना है, यहां पे मुझे एजुकेट करना आपको है। तो उस एजुकेट करने पार्ट में ये जानिए कि जब हम लोग CA CS और CMA वाले बच्चे से जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो सही में वो गायब रहते हैं। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, मैं आता हूं तो आपको इतने बिजी शेड्यूल के बाद मैं थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लेता हूं। आप अगर न्यूज नहीं सुन पाते, ये न्यूज का मतलब वो नहीं है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ सनसनी, ये न्यूज नहीं, हथौड़ा मार तो मंकी मैन, ये नहीं।
ओवरऑल अभी जो है वो कौन सा समिट हो रहा है, G20 का हो रहा है, क्यों हो रहा है, चाइना ने क्यों जो है वो बॉर्डर पे इस समय एक्टिविटी शुरू की, ये सब जानना है क्योंकि हमारा G20 में हमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इन चीजों को लेकर के। वही G20 का जो है वो मुंबई में जो है वो लोग विजिट करेंगे, इसलिए पूरे मुंबई में पूरा होर्डिंग वगैरह लगा करके कचरा वगैरह पीछे है, लोग सरप्राइज है कि आज तक 50 साल में कभी ऐसी सफाई नहीं हुई है, ये सब न्यूज में पता तो चलेगा आपको कि ये होता क्या है, आपको क्यूरियोसिटी होगी G20 क्या होता है। आपको पता है पहले 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था WTO, सॉरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब फिर से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डाल दिया गया इन्हीं चीजों के लिए कि बच्चा थोड़ा सा अवेयर रहे। मुझे बताइए इंटरव्यू में जाइएगा, चलिए मान लीजिए कि कंपनी लॉ, मान लीजिए फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन थोड़ा भूल गए हैं, रात भर बैठिएगा थोड़ा देखिएगा याद आ जाएगा प्रोविजन, पॉसिबल हाँ या ना, कहानी पूरी सुन रखी है उसके बाद अरे सर ने क्या बोला था, कितना स्पेस होना चाहिए एक बंदे को काम करने के लिए, इतना होना चाहिए, कितने लोगों पे कैंटीन देना है, ये देना है, उस समय अपडेट कर देंगे कि अभी बताया था अब क्या है। लेकिन मुझे बताइए ये जो बातें मैं कर रहा हूं इतने पुराने समय से, ये आपका अर्न किया हुआ नॉलेज होता है, एक नॉलेज होता है जो आप लर्न करते हैं और एक नॉलेज है जो आप अर्न करते हैं। तो अर्न नॉलेज वर्सेज लर्न नॉलेज की अगर हम बात करें तो लर्न नॉलेज वो है जो आप पढ़ रहे हैं, अर्न नॉलेज वो है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप में डेवलप हो जाता है, वो हो जाता है आपका कौन सा नॉलेज, अर्न नॉलेज। और वही ये सब अर्न नॉलेज है जो आप कहीं सुनते रहते, कभी छोटा बच्चा भी कुछ अगर बता रहे हो उसके एनसीईआरटी या कुछ बुक से सीबीएसई के बुक से बहुत काम की चीज है जब वो पूछा जाता है। और ये सब इंटरव्यू में लोग पूछते ही हैं क्योंकि आप जिस कंपनी में जाएंगे हो सकता है वो मल्टीनेशनल कंपनी होगा, भाई मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो इन चीजों से G20 और बाकी से उनको फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना है, अरे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन किस कंट्री से कैसे है उसके बेसिस पे आपके कंप्लायंसेस पे असर पड़ता है। तो इसीलिए ये जरूर थोड़ा सा क्या करते रहिएगा, सुनते रहिएगा। मैं हैजार्डस की बात कर रहा था, हैजार्डस का मतलब इलीगल नहीं होता है, मैं न्यूज से इन चीजों पे पहुंचा, कल ही के न्यूज में जैसे आया दिल्ली की घटना है, दुखद घटना है बट घटना है, 12 में एक बच्ची पढ़ती थी उसके ऊपर फिर से एसिड फेंका गया और शायद ये इसी तरफ मोती कुछ इसी तरफ है। तो अब सोचिए, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो जो चीज है उससे नुकसान हुआ या नहीं हुआ उस एसिड से, कहीं ना कहीं वो बनता है, उस बंदे ने घर में बनाया था, बनता है, इसका मतलब इन्हीं चीजों को हैजार्डस बोलते हैं। लेकिन जब ये चीज बनते हैं तो आपको पता है इन चीजों को जो बनाती है फैक्ट्री उनके लिए और एक्स्ट्रा प्रोविजन है जो आपको पढ़ना है यहां पे, तो वही देखिएगा कि वो प्रोविजन प्लास्टिक वाले कंपनी पे नहीं है एप्लीकेबल, वो जो है वो जो कंपनी बैग बना रही है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इनको हैजार्डस में रखा गया, क्या ये इलीगल है? चरस गांजा कोकीन ये जिस फैक्ट्री में बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वो अलाउड ही नहीं है, वो इलीगल में है, इसलिए वो हैजार्डस में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अलाउड चीज है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है कि कौन बनाएंगे कैसे बेचेंगे, इसके सेल को लेकर के इतना सख्त कानून है कि किसने किसको कितना बेचा बिना आईडी के तक नहीं बेच सकते हैं। जो भी चीज है पहले लॉ बना हुआ तभी तो उन तीनों को पकड़ा गया, अब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई कानून ही नहीं रहता तो उन्हें कभी सजा मिलती? अब ये साबित करना कि उन्होंने उस पे क्यों फेंका, किस इंटेंशन से फेंका, ये तो अलग बात है। सबसे पहले तो वो इसी के लिए बुक हो जाएंगे कि उन्होंने जो चीज खरीदा वो खरीदने के लिए ऑथराइज नहीं, और जिसने बेचा उसे भी पहले पकड़ लिया जाएगा, भले इस बंदे को सजा हो ना हो, जिसने इसको बेचा उसे जरूर होगा। और बहुत बड़े लेवल पे फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है क्योंकि उसने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, और इसमें बहुत बड़ा मेजर ये चीज आ रहा है कि ई कॉमर्स को किस तरह से हम रेगुलेट करें। देखिएगा जब मुलाकात होगी ईबीसीएल में तब आपसे बात करेंगे इकोनॉमिक लॉ में वहां पे, कि कैसे आज के समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा था उसमें कैसे जो है ई कॉमर्स जैसे चीजों को भी क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, क्योंकि समय बदला है। पहले ई कॉमर्स नहीं था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986, उससे पहले एमआरटीपी एक्ट 1969 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 2019 में फिर अमेंड किया गया, फिर बदलते समय के साथ उसमें प्रोविजन क्या किए जाएंगे, डाले जाएंगे। 1986 में ई कॉमर्स जैसा चीज होगा 1969 में, तो जरूरत थी या नहीं, तो यही सारा कुछ देखते जाएंगे। यही तो फैक्ट्री एक्ट में भी अमेंडमेंट वगैरह होता गया। मेरे कहने का मतलब है कि जैसा नेचर होगा उस तरह के प्रोविजंस क्या करने होंगे, लेकिन कुछ प्रोविजन होगा जो सारे फैक्ट्रीज पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। वो आप खुद समझते जाएंगे और हम लोग बात करेंगे कि अगर नंबर इतने से ज्यादा है तो ये वाला होगा, अगर हैजार्डस एक्टिविटी होता है तो ये होगा, अदरवाइज जो पढ़ रहे हैं वो सब पे क्या होगा,
एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला कैटेगरी हमने कहा कि आपका फैसिलिटीज कन्वीनियंस हो सकता है, आपका वेलफेयर हो सकता है, आपका सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, आपका जो हैजार्डस एक्टिविटी से रिलेटेड चीज हो सकता है। शुरू करें पढ़ना इसको। अब देखिए फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस में एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो बातों का ध्यान रखना है। मेंशन द प्रोविजंस व्हिच शैल बी कंप्लाइड बाय द ऑक्यूपायर। 3 मार्क्स 5 मार्क्स बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों? अभी जब आप प्रोविजन पढ़ेंगे ना आप बोलेगा सर ये तो सोए में भी कोई पूछेगा तो 20 तो आंख बंद करके लिख देंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर मैं आपसे बोलूं कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मेंशन एनी टू रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, आपके लिए आसान है या नहीं? अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, मेंशन एनी टू प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अभी भी आप कर देंगे लेकिन पहले से थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत हो गई। ठीक वैसे ही एनी प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, और अगर आपसे पूछ दे प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट अंडर कन्वीनियंसेस एंड फैसिलिटीज, ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं? तो मैं क्या बोलूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? खुश कर दूं आपको या ये आपको वार्न कर दूं? तो मैं खुश नहीं कर सकता, वार्न कर रहा हूं कि जो प्रोविजन आप पढ़ेंगे कुछ नहीं भूलेंगे, मैक्सिमम प्रोविजन आपको याद रहेगा, सिर्फ डेज वगैरह धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, नंबर थोड़ा भूलते हैं, उसमें रिवीजन की जरूरत है। लेकिन फिर भी आप 20 प्रोविजन तो कभी भी सोते जागते बता देंगे। लेकिन अगर पूछा वेलफेयर से रिलेटेड, सेफ्टी मेजर से रिलेटेड, हैजार्डस एक्टिविटी से रिलेटेड, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वही वाला लिखना है। इसीलिए मैंने ये कैटेगरी बनाया है, अदरवाइज मेरा स्लाइड शुरू होता और सीधा लिखा हुआ रहता प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट और वो चलता चला जाता। हाँ जी आइए, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग इसमें करें, एक बार कंफर्म, यहां तक हमने सब पढ़ा था, ये देखिए जरा देख रहे हैं, तो प्रोविजंस अंडर विच एक्ट, जितने भी चीज पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट के भी प्रोविजन होंगे, लेकिन किस बिरादरी में इसको रखा है, किस कुनबे में रखा है? ठीक है, मतलब इतना ही हुआ कि खाने वाले चीज में वेज भी आते हैं और क्या आते हैं, उसके बाद फिर हम बायफर्केशन कर देते हैं वेज में और फिर किस में, फिर वेज में भी जो है वो ऑयली स्पाइसी हाइजेनिक ऐसे करके करते हैं। तो बस अगर कोई पूछे खाने के चार चीज तो आसान है बताना, बोले कि वेज में बताना उससे थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हुआ, बोले कि जिस जो ज्यादा न्यूट्रियस हो तो जो है वो और आपको क्या करते जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट करते जा रहा है। तो ऐसे ही करके अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट के, लेकिन किस दायरे में आते हैं, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस में। फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, ध्यान से समझिएगा, और जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो आप ये मत सोचिएगा सर इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि गलती से साइकोलॉजिस्ट भी हूं, तो मुझे इसका अगला इंटरप्रिटेशन पता है कि ये कैसे दिमाग से स्किप होता है। मैं जब तक हूं तब तक आप कैसे समझ रहे हैं, और क्लास खत्म होने के बाद कितनी बात रहेगी, ये सब डिपेंड करता है कि कैसे आप पे थ्रो किया गया है, उससे रहता है। इसीलिए कभी जब बात करें तो इसका आगे रेलिवेंस रहेगा, चीजों से जुड़ सकता है। फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, बड़ा सिंपल सा लाइन है, आगे बढ़ जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजंस कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? मैं इस छोटे से चीज पे सिर्फ आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, ताकि अगला चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको लगे कि नहीं भाई मकसद है, मतलब है, अभी नहीं समझ पाएंगे, सुनते हैं पूरे बात को ध्यान से। तो फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, कोई बड़ा चीज नहीं है, फैक्ट्री साफ सुथरा होना चाहिए, इतनी ही बात है। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑक्यूपायर के ऊपर है। कंपनी के केस में ऑक्यूपायर कौन है? सारे डायरेक्टर हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, जो मैंने नाम बोला ये सब डायरेक्टर हैं, और मतलब एमडी हैं बेसिकली, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर तो हुई ना, चेयरपर्सन भी तो भी डायरेक्टर हैं। इसका मतलब सुबह सुबह रतन टाटा झाड़ू लेंगे, पोछा लेंगे, बाल्टी लेकर के घुसेंगे और फैक्ट्री को साफ करेंगे, क्योंकि अगर वो साफ नहीं रहा तो बिल किस पे फटना है? लॉ ने तो वही बोला है कि फैक्ट्री के नाम से ऑक्यूपायर के नाम से होगा, तो इसका मतलब वो इसको साफ करें, फिर अगर वर्कर ने नहीं साफ किया है तो पेनल प्रोविजन किसके ऊपर है? क्या जब इंस्पेक्टर आएगा तो पूछेगा कि कौन इस काम के लिए अपॉइंटेड है? उसका काम ये नहीं है, उसका काम बस इतना देखना है, फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन का मतलब फैक्ट्री क्या होना चाहिए, और वो ये नहीं बोलेगा कि यहां पे रामदीन राम खिलावन हरिया की ड्यूटी थी, या सुपरवाइजर जो है वो रामदीन है और राम खिलावन जो है वो काम करने वाला है, इन दोनों को पीटो, बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, मुझे क्यों पीटना है, मैं सिर्फ जो है वो रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी एज बिंग द ऑक्यूपायर ऑफ दिस फैक्ट्री, उनके नाम से नोटिस भेजूंगा। वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं?
वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर, इसका मतलब ये अरेंजमेंट करे, तभी आप देखते हैं कि पहले जो है वो सबसे नीचे के लेवल पे जिसको ग्रास रूट वर्कर कहते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, फिर ऐसे करके क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि अगर कहीं भी निचले लेवल पे भी गड़बड़ हुआ तो कॉन्ट्रावेंशन के केस में उसका नाम नहीं जाएगा, उनको तो बस आप सैलरी थोड़ा कम दे दीजिएगा, डांट दीजिएगा रामदीन को, आज सफाई नहीं की रामदीन ने और गलती से आज ही इंस्पेक्टर आ गए, पॉसिबल? सारा गंदा वहां पड़ा हुआ है, वो इस बात को मानेंगे कि बाकी हर दिन साफ रहता है? आज नहीं है, जिस दिन इंस्पेक्शन होगा उसके बेसिस पे वो करेंगे, तभी तो पता चल जाता है, तो लोग क्या करते हैं। और थोड़ा सा ये चीज है, बट मैं किसी भी तरह से इंडिया के जो है वो सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये चीज होता है तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, रिकॉर्डेड है ना, डिस्क्लेमर जरूरी है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चलता है जिसको अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं कहते हैं। लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि जैसे ही इंस्पेक्टर को आना है तो इंस्पेक्टर इस बात को बता दे पहले से, सरप्राइज विजिट उनका राइट है, लेकिन वो कहते हैं हम सरप्राइज विजिट पे आएंगे क्योंकि हमें भी डायरी में मेंटेन करना है कि कितने बार हमने फैक्ट्री का क्या किया सरप्राइज, लेकिन आपको बता दिया, ऑक्यूपायर को बता दिया, क्या ये रियल सरप्राइज विजिट रहा? साफ सफाई सब रहेगी, पर्पस पूरा हुआ? इस चीज को बताने के कुछ देंगे हम इंस्पेक्टर को? ऐसे ही दुनिया चलता है, यही देने के कारण वो बता देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं, और वो ऐसे नहीं बताते, वो बताने का मतलब ये कि उनके वहां वो लिफाफा क्या हो जाएगा, पहुंच जाए, क्योंकि जब वो आएंगे उस समय तो बाकी टीम रहेगी, उस समय तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उस समय तो नहीं छिपा सकते, तो सूचना क्या होती है, पहले पहुंचती है। अब जो भी उस ऑफिस से वहां सूचना पहुंचाएगा वो बंदा कमा रहा है, और उसे सैलरी तो छूना भी नहीं क्योंकि वो तो लाखों रुपया कमाता है। एक छोटी सी बात है, अब कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, और मैंने पहले भी बोला था तो इग्नोर कीजिएगा, मैं गेस्टेड ऑफिसर भी था, जहां पे मुझे ऑफर दिया गया था जब मैंने जॉब छोड़ा था, तो यही वजह था उस जॉब को छोड़ने का, कि कहा गया था कि आप तक जो है वो 2.5 लाख रुपए हर महीने पहुंच जाएंगे, बस 30 मिनट्स के लिए उस फैक्ट्री में पावर सप्लाई देना है एक्स्ट्रा, 30 मिनट के लिए बिजली का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस था इसीलिए, 30 मिनट तक। और ये ऑफर देने वाले शुगर फैक्ट्री के मालिक थे, बहुत सारे शुगर फैक्ट्री, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब मुझे एक चीज बताइए, ये ऑफर, और दो तरह का ऑफर था, एक था या तो पैसे या गोली, साफ था कि देना तो आपको पड़ेगा ही, प्यार से मतलब पैसे पहुंचते रहेंगे और बाकी आप सारा टेक केयर, गाड़ी कहाँ क्या जाना है, कौन सा टूर, कौन सा पैकेज, सब कुछ। गरीब आदमी, वैसे भी घूमने फिरने का ज्यादा शौक नहीं, पढ़ने का ही शौक, इसलिए अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं, एक्चुअरियल साइंस अभी भी मैं कर रहा हूं, अगर आप लोग जानते हो तो, ये भी एक कोर्स है, तो हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर सिक्योरिटी मार्केट और बाकी चीजों के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, ये ऑफर का सिलसिला ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, आपके घर में जो भी आपके लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि क्या आपको कभी ऑफर मिला या आपने किसी को दिया है। जो नहीं लेते हैं उनको घूमना पड़ता है। मेरे पापा की टोटल 40 से ज्यादा पोस्टिंग हुई है, क्लास वन ऑफिसर थे, 40 से ज्यादा, इंडिया के किस किस एरिया में नहीं भेजा गया, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर थे, कि लोगों तक कैसा अनाज पहुंचेगा ये तय करना, बोलते थे इतना बड़े चीज पे मैं गेम खेलूं तो नहीं, तो फिर आप गेम नहीं खेलेगा तो आप मच्छर मारिए। यानी कि हमें जो है वो राहुल किला किस किस जगह जहां पे मच्छर वगैरह का ऐसा प्रकोप बता नहीं सकता, ये मॉस्किटो कॉल और ये सब वहां कुछ काम नहीं करता है, रियल एक मच्छरदानी वर्ल्ड है, उसमें घुस करके आपको रात में पढ़ना और रहना पड़ेगा, इतना हाई बेल्ट मलेरिया और बाकी चीजों का। स्कूल में पता चला कि ऐसे भी स्कूल में गया हुआ जहां पे बोरे पे बैठना पड़ता था, बोरा समझते हैं जिसमें चावल वगैरह भरे जाते हैं, आप अपना चीज लेकर, बाकी बच्चे बोरे लेके आते थे, अब क्लास वन ऑफिसर के बेटे थे तो थोड़ा सा लपेट करके थोड़ा अच्छा सा मैट रहता था, लेकिन जाना तो उसी स्कूल में, क्योंकि स्कूल तो नहीं बन जाएगा वहां पे, है ही नहीं स्कूल, तो बन कैसे जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर को तो वहां भी जाना है, वही जो दो इक्कम दू, पूरे दिन में जो पढ़ाई होती थी वही होती थी, ऐसे हिलते रहते थे, दो इक्कम दू, दू दूनिक चार, दू त्रिक छः, दू चौके आठ, दू पच, कहानी सुना सुना करके ऐसे करके जो है वो बोला जाता था, और इधर पढ़ते थे 2 1 2 2 2 4 और इधर एकाएक इस तरह का। मेरे कहने का मतलब है कि हर जगह ये ऑफरिंग और चीज चलता रहता है, इसलिए यहां पे कहा गया कि फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन का रियल सेंस में क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, बिना बताए वो कभी भी आए तो क्या दिखना चाहिए उन्हें, साफ दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो ये नहीं मानेंगे कि हम हर दिन करते थे, सिर्फ आज क्या हो गया, आज गड़बड़ हो गई, आप हर दिन समय पे पहुंचते थे, इंटरव्यू में लेट पहुंचे हैं, इंटरव्यूअर पता है क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कि इसका मतलब ये ऐसा ही बंदा है कि जो इंटरव्यू में लेट आ सकता है
वो हमारे ऑफिस में क्या टाइम पे आएगा, जबकि देखिए यही कहते हैं, यही है थोड़ा थोड़ा लक। बाकी जगह क्लास तक में आप 10-10 मिनट पहले पहुंचते हैं, क्या आज तक मजाल है किसी टीचर के आने के बाद आप इनके होंगे, हर जगह पहुंचे होंगे पिछले 10 साल से, लेकिन वही इंटरव्यू में गए तो लेट पहुंचे का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय भी वो आएंगे, फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, साफ रहना चाहिए। लेकिन मतलब ये नहीं है कि खुद आजिम हसन प्रेम जी ही क्या करे, साफ करता रहे। प्रॉपर अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस। इफ्लुएंस बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला था वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आपका काम है कि आपका अगर थोड़ा भी, मैं तो कोशिश करूंगा हर वर्ड पे जो है वो इम्फेसाइज करूं, लेकिन कोई वर्ड आपको दुखी करता रहे तो जरूर पूछेंगे। वेस्ट तो आप समझते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं ट्रेड करने पे, फैक्ट्री का जो कोई एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को जब करते हैं उसके बाद जो भी वेस्टेज निकलता है उसको इफ्लुएंस बोलते हैं। एक तरह से वो वेस्टेज ही हुआ। तो जो वेस्टेज और इफ्लुएंस है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। आप कहिएगा इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वहां पे जो है वो कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो नाली ऐसे करके निकल करके जा करके बाहर निकलेगा तो नाला के तरफ ही, लेकिन वो ओपन भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो कहा गया कि वो ओपन ना होकर के क्या रहे, क्लोज रहे, लेकिन इस तरह से रहे कि उसके बीच बीच में क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। अदरवाइज अगर वो जाम होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उसके विक्टिमाइज कौन होंगे, उससे परेशान कौन होंगे, हमारे लेबर ही होंगे। तो कहा गया कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए डिस्पोज ऑफ करने का। अगर कहीं पे पहले देखिए कोई भी चीज तैयार होता है किचन में ही, आपका जब खाना बनता है तो वेस्ट तैयार होता है किचन में रखते हैं, किचन में रखने के बाद या सीधे जो है वो थोड़ा सा जो है सब्जी कटा पॉलिथीन में लिए जाकर के फेंकने जा रहे हैं, कहां पे, जहां पे जो है वो मोहल्ले में कोने में RW की तरफ से जहां पे रखा हुआ है डब्बा वहां फेंकने। अच्छा फिर दो प्याज काटा आते हैं फेंक करके, फिर थोड़ा सा भिंडी का टुकड़ा बचा उसको फेंक करके, खाना खाया थाली में कुछ बचा रहेगा आते हैं फेंक करके, सुसाइड ना कर लें आप, है पॉसिबल? तो पहले घर में ही एक कोने में रखते हैं या नहीं, किचन वगैरह में साइड में जो बंद दराज जैसा रहा या और जहां आप रख सके पॉलिथीन वगैरह में डस्टबिन में। उसके बाद जब कूड़े वाली गाड़ी बजी MCD की, तो अगर आपके नजदीक है तो वहां नहीं तो कूड़े वाले आएंगे वो लेकर के इसे चले जाएंगे। तो कह रहे कि पहले तो स्टोर हो गया लेकिन उसके बाद जो यहां पे जो है वो क्या होगा, डिस्पोज होगा, इसके लिए आपने अरेंजमेंट किया हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो चीज वहां, आप सोचिए किचन में वही अगर 2-4 दिन रहेगा स्मेल करेगा या नहीं, तो आप आज दिन भर का रखेंगे ना लेकिन सुबह फेंकेंगे। अगर नहीं वो आया कूड़ा वाला तो कोई जा रहा हो, चाहे मेड जा रही हो या कोई जा रही हो, किसी को भी थोड़े पैसे दे जा भाई इसे भी वहां फेंकते चले जाना, या खुद ही उतरे तो क्या कर दिया, फेंक दिया। कहने का मतलब हटाएंगे या नहीं वहां से, कहा गया इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कंपनी में कि जिस कंपनी को हमने हायर किया था वेस्टेज उठाने के लिए, कंपनी को हायर करना पड़ता है वेस्टेज उठाने के लिए, क्योंकि कुछ केमिकल वाले वेस्टेज होते हैं, कुछ अलग तरह के वेस्टेज होते हैं, ये वेस्टेज कूड़ा वाला लेके नहीं जा सकता फैक्ट्री का, उसके अलग तरह के रूल होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप एक के साथ करो मल्टीपल के साथ करो, ना स्ट्राइक का बहाना चलेगा ना कोई और चलेगा। इसी वर्ड को बोला जाता है प्रॉपर अरेंजमेंट, ध्यान से समझिएगा। आपको याद होगा लॉ में, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में बताइए, मैंने एक कुछ वर्ड बताया था, एक खास तरह का जो है वो चीज बोला था, वो यहां पे जो है वो हिट करेगा, वो इंटरप्रिटेशन का रूल इस जगह लग रहा है, ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट लिखा गया है इसका क्या सेंस है। मैंने यह भी बात आपको कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। अब इस बहाना और इसको लेकर के हमने कोई एक एग्जांपल वर्ड ना, और सोचिए बहाने वर्ड मैंने कहे थे, देखिए बहाना कह रहा हूं ना कि वो गाड़ी नहीं आई तो ये नहीं आई, ये नहीं चलेगा। प्रॉपर अरेंजमेंट आपकी जिम्मेदारी है, लॉ का पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में कल थी परसों ही बोला था, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर किन्हीं को याद आ रहा हो प्लीज बतलाएंगे, कौन सा, थोड़ा और हिंट दूं। अब देखिए समय आने लगा, मैंने बोला था अभी तो इसी में बात कर रहे हैं, अब देखिएगा क्रॉस बॉर्डर चलने लगेगा। क्रॉस बॉर्डर का मतलब हो गया एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में चीज इन करेगा, तो अभी तो शुरुआत हुई, जब ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे तब होगा, और इसके बाद और भी मजा आएगा जब एक ग्रुप से कहां बात होगी दूसरे ग्रुप में, और मजा आएगा जब रहेंगे प्रोफेशनल में और याद दिलाएंगे आपको कि बताइए कि एग्जीक्यूटिव में ये कहां पे किस तरह पढ़ाया था। अब ये मत बोलेगा सर तब तक आपको जीने नहीं देंगे, मर जाओगे आप, इतने दुख रख दोगे तो उतने दिन तक नहीं चलोगे। अगर रह गया तो फिर वो आपको याद दिलाऊंगा कि याद करिए कि हमने इस टॉपिक को कहां इससे रिलेटेड पढ़ा था। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, उसमें बात हमने ली थी और हमने कहा था कि लॉ का पर्पस बहाना बनाना नहीं है, उसको फुलफिल करना है।
बताइए उसके लिए वर्ड क्या यूज किया था? मम्मा का एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ, अट्रेस मैगिस, अट्रेस अल्टिम पेरिट, जिसमें हमने कहा था कि लॉ का पर्पस ये है कि आप जो है वो उसको क्या करें, फुलफिल करने की कोशिश करें, नेवर ट्राई टू अवॉइड। ये बहाना नहीं चलेगा कि वो वाली गाड़ी नहीं आई है जिसको हमने क्या किया था इस चीज के लिए, तो इसका मतलब तो कोई बहाना आप दे दीजिएगा तब कभी भी कोई कंप्लाइंस होगा। फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, रामदीन हरिया राम खिलावन तीनों बीमार, तीनों की बीबी भाग गई, तीनों उनके पीछे गया, क्या ये बहाना चलेगा? तीनों हॉस्पिटलाइज है, चलिए वो तो मजाक मजाक में बोल दिया, हॉस्पिटलाइज है, सही बात है भाई, अब तो वो नहीं आ सकता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ऑक्यूपायर पे होगी, होगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपने अल्टरनेट इंतजाम किया या नहीं किया, मत कीजिए उस दिन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन पहले वो क्या होना चाहिए। अब सोचिए अगर इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो लॉ तो ऑक्यूपायर, मालिक, ओनर किस चीज पे ध्यान देंगे, उनका इन चीजों पे ध्यान रहेगा या मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा? तो यहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब क्लियर है। अब देखिए वो वाला यहां लगा ना इंटरप्रिटेशन कि गाड़ी नहीं आई तो का कुछ नहीं, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वेंटिलेशन शुड बी एडिक्वेट, अब ये वर्ड देखिए क्या है, वेंटिलेशन शुड बी एडिक्वेट, इसका क्या सेंस हुआ? लेकिन एक वर्ड देखिए, मैं आपको लॉ थोड़ा सा समझना सिखा रहा हूं क्योंकि अभी शुरू ही हुई है, बहुत एक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, शतक तो मैं ही लगा दूंगा एक्ट पढ़ाने में क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ज्यादा है, बीसी की तो पढ़ाऊंगा लेबर लॉ में ही। अब मुझे बताइए एडिक्वेट वर्ड यूज क्यों किए हैं, हमें इंटरप्रिटेशन ही तो करना है, एडिक्वेट वर्ड क्यों लिखा? अब आ रहे हैं आप धीरे धीरे, कहीं पे ज्यादा पड़ सकती है और कहीं वेंटिलेशन की जरूरत तो नॉर्मली हर केस में है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे, आप देखिए अभी ठंड जैसा, लेकिन थोड़ी देर हमने एसी चलाया तो कंफर्टेबल हुआ या नहीं माहौल, अब बंद हो गया, लेकिन ऐसे ही फिर अगर थोड़ा सफोकेशन होगा, थोड़ी देर चल गया तो वेंटिलेट होगा या नहीं? अब हर जगह छेदे हैं कहीं, क्या होल है? नहीं है, नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कहा गया कि कुछ जगह जहां पे ज्यादा जो है वो आपका धुआं या कोई और चीज रहेगा, जहां पे जो है वो आपका डस्ट वाला काम ज्यादा हो रहा है, वहां पे वेंटिलेशन ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए, अलग तरह का वेंटिलेशन चाहिए, उस वेंटिलेशन में थ्रो करने के लिए एग्जॉस्ट भी लगा होना चाहिए, और कुछ जगह पे आपका जो है वो एग्जॉस्ट नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, बस हल्का सा जो है वो क्या होना चाहिए, कहीं भी जगह होना चाहिए ताकि एयर जो है वो पास हो सके। क्लियर है? इसीलिए वर्ड क्या लिखा गया है, ये मतलब है एडिक्वेट का, कि नीड बेसिस पे, ये पैमाना नहीं कि हर जगह 2x4 का यानी 2 फीट बाय 4 फीट का जो है एक वेंटिलेटर होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है, वेंटिलेशन होना चाहिए, एडिक्वेट लिखा हुआ है, कहीं पे हो सकता है। आप देखते होंगे ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा तभी जाकर के अच्छा अर्न कर पाएंगे, क्योंकि विजन रहेगा और अच्छा आंसर दे पाएंगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। आप जब मेट्रो से जा रहे होते हैं तो थोड़ा बाहर देखिएगा, बोले सर आपके तरह बूढ़े व्यक्ति ने, मेट्रो में बहुत कुछ होता है देखने के लिए, हम ये सब चीज नहीं देखेंगे, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कभी अगर मौका लगे तो जब मेट्रो में देखने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा मेट्रो से बाहर देखिएगा। अगर आप इंद्रप्रस्थ के आसपास से गुजर रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ में वो लक्ष्मी नगर की तरफ जब आप जाइएगा तो वहां जब जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ का वहां पे, और जब प्रगति मैदान के आसपास से जाएंगे आपको बहुत बड़ी छत पे जो है वो एक इस तरह का, हाँ, ऐसे गोला सा जैसा ऐसा निकला हुआ दिखेगा आपको, और यहां पे आप देखिएगा तो यहां पंखे भी इसमें लगे हुए हैं, हाँ वो घूम रहा होता है, तो कुछ जगह पे पंखा होगा जो घूम रहा होता है और कुछ जगह पे पंखा होगा जो घूमता नहीं रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वेंटिलेट रहेगा। कुछ जगह पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, चौड़ा सा स्ट्रक्चर बस दिखेगा, लेकिन कहीं पे उसमें पंखा वगैरह नहीं है, बस यहां पे आपको लगेगा कि ये वेंटिलेशन के लिए बस है, और ये इसीलिए कि पानी ना जाए इसके लिए। तो ये है कि किस तरह का चीज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कहीं पे ऊपर भी एग्जॉस्ट लगाना पड़ सकता है, छत पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड तो लगा नहीं सकते, वो आपका एरिया तो है नहीं, जिसका जमीन उसी का आसमान। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से सर मिसाइल मारेंगे प्लेन जा रहा होगा तो, वरना पैसे देगी गवर्नमेंट या एयरजेट वाले देंगे, ये मतलब नहीं है, इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। फिर जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेके क्या लेंगे, सेंसेबल, जिसका जमीन उसी का आसमान का मतलब है जो रीजनेबल हाइट है वहां तक, ये नहीं कि आप जो है वो स्वर्ग तक जो है वो सीढ़ी बना देंगे। अब ये नहीं पता स्वर्ग होता है या नहीं, मान के चलते हिंदू मैथोलॉजी में होता है, नहीं बोलेंगे तो भगवान बोलेंगे आना नर्क में ही डालूंगा तुझे, तो इसीलिए भगवान से भी पंगा नहीं लेंगे। तो वेंटिलेशन शुड बी व्हाट, एडिक्वेट। रीजनेबल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन,
इसका मतलब राम दीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी, बिरजू को मस्त एसी में टाइट फिट रखना है। आपके लिए जो अभी टेम्परेचर और रामदीन हरिया के लिए जो टेम्परेचर होगा, अंतर होगा नहीं? फैक्ट्री में प्लास्टिक, लोहा गलाया जा रहा है, स्टील गलाया जा रहा है, मुझे बताइए कहां से टेम्परेचर मेंटेन करें? अगर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो फिर वो गलेगा स्टील? हजारों हजारों सेल्सियस और फॉरेनहाइट आप क्या करते हैं, हीट इमिट करते तो जाकर के वो पिघलता है, राइट? तो वहां से बाहर जो है इमिट होगा या नहीं, कहा गया होगा। और इसी के लिए आपको क्या करना है, इसी के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब कहिएगा कैसे मेंटेन होगा? दो तरह के चीज होते हैं। आपने, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं ये इसीलिए क्योंकि केस लॉ वगैरह में आपको काम आएगा। आप देखिएगा अलग अलग तरह के बॉटल होते हैं। मिल्टन का टफ ऑफ वाला बॉटल देखा है? फिर मैं बोलू मिल्टन कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, काश बना लेता तो दिन ही बदल दे आते। मिल्टन का, सेलो का, या जो भी हो, या डबलिन, आजकल वो भी बहुत चलता है। मेरी बिटिया बोलती है पापा डबलिन, मतलब देखिए बच्चा लोग भी, दोस्त के हाथ में देखा बहुत अच्छा अच्छा सा आता है। मिल्टन थोड़ा ट्रेडिशनल, वो पुराना स्टील वाला कलर और ये सब कैरी करती है, और ये सब थोड़े ज्यादा फैंसी कलर कैरी करते हैं। उसमें एक खास बॉटल होता है जिसमें पानी जो है वो 12 से 24 घंटे तक ठंडा और गर्म रह सकता है। सुने होंगे, यूज भी करते होंगे आप लोग। अब उसमें बहुत ठंडा पानी है, बिल्कुल मेरा वाला, ये देखिए गरीब अमीर का अंतर, उन्होंने ऊपर उठा के दिखाया तो मैंने भी दिखला दिया, मेरे पास ये वाला है, तो वो भी अपना नहीं है, वो भी इंस्टीट्यूट का है। अब देखिए, तो ये जो हमारा बॉटल है, इस बॉटल में जो ठंडा और गर्म पानी रह जाता है काफी दिनों तक, काफी देर तक, इसको जब आप ऊपर से छूते हैं तो पानी ठंडा है तो ठंडा फील होता है ऊपर से, हाँ या ना बोलते जाइए जो सही है। जब पानी एकदम खौलता हुआ गर्म रहता है, चाय वगैरह जो लोग रख लेते हैं, तो बाहर छूने पे हाथ जल जाता है, हाँ या ना? लेकिन यही अगर जब केटली में उतना रख दीजिए किसी और में, तो छूते ही जलेगा या नहीं जलेगा? आपको चाय उतना ही ठंडा मिला, पानी चाय उतना ही गर्म मिला, और पानी उतना ही आपको ठंडा मिला, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं हुआ कि उसे छू नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ये नहीं बोला कि किसी को चाय ठंडा दीजिए या पानी गर्म ही दीजिए, मैंने बोला उसको जो ऑफर करना है कीजिए। मैं तो बस कह रहा हूं कि प्रोटेक्शन जब आप उसको रखें तो उसी तरह के बॉटल में रखें ताकि अगर बच्चा जाए तो छुए तो पक ना जाए। चाय के बहुत सारे जो है केटली और चीज रखे हुए हैं, अगर कोई बच्चा गया जलने का खतरा है या नहीं, लेकिन अगर इसमें है तो जलेगा बच्चा, या ठंड में छुएगा तो ठंड लगेगा? ठीक ऐसे ही कहा गया कि वो बॉयलर वगैरह आता है दो तरह का, एक नॉर्मल बॉटल आप लीजिए उसमें ऐसा ही होगा, नॉर्मल बर्तन लीजिए ऐसा ही होगा, लेकिन यही अगर आप टफ ऑफ मिल्टन का लेते महंगा आता है या नहीं, स्टील का नॉर्मल आप लीजिए आपको 200 रुपए के आसपास में बहुत अच्छा बॉटल मिल जाएगा, बहुत फैंसी 200-250 में एक लीटर वाला, जो टफ ऑफ का काम नहीं करेगा, गर्म और ठंडा वाला मेंटेन नहीं करेगा, गर्म है तो गर्म, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। और दूसरा ये बॉटल लीजिए, ये 1000 रुपीज में आएगा आपको, यानी 4-5 times उससे ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन हुआ सुरक्षा या नहीं हुआ मुझे बताइए? अगर मुझे पानी पीना आ रहे तो मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि कौन कैसे ला रहा है, लेकिन जो ला रहा है उसको दिक्कत होगा या नहीं, उसके जलने का खतरा है या नहीं? यही चीज यहां पे है। कहा गया कि रीजनेबल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन का यही मतलब होता है कि वहां आप इक्विपमेंट लगा करके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा ऐसा फर्नेस आता है कि भीतर जो हजारों फॉरेनहाइट रहेगा, लेकिन बाहर आएगा हीट, लेकिन उतना ज्यादा बाहर जो है वो नहीं आएगा। लेकिन कुछ जगह आप देखिएगा YouTube वगैरह पे ही कोई शॉर्ट्स और बाकी चीज देखे तो उसमें दिखेगा ऐसे करके आग में डाल रहे हैं और लोहा एकदम गर्म सा जो है वो दिख रहा है। उसके बाद कहा गया कि खास तरह के उनको जो है वो ड्रेसेस वगैरह आगे भी आएगा, ऐसा ड्रेस पहनाएंगे जिससे जो है उसका क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। तो पहला चीज जो टेम्परेचर का था, इसका मतलब एसी में रखना नहीं है, टेम्परेचर का मतलब है वैसा टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, कुछ काम ऐसा है जिसमें ज्यादा हीट जनरेट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 डिग्री में वो क्या करे, काम करे। 50 डिग्री तो टेम्परेचर चला जाता है कभी कभी गर्मी में, लेकिन कहा गया वैसा भीतर नहीं होना चाहिए जब वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह होता है उस जगह कुछ भी कर लीजिएगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना एटमोस्फेयर का क्या है, टेम्परेचर है। तो उसके लिए भी अलग इंतजाम है, उसके ड्रेसेस और इक्विपमेंट इस तरह से उसको पहनाने हैं जो टेम्परेचर को क्या कर देता है, मेंटेन। आपने सुना होगा ग्लासियर, सियाचिन, ये सब जो जगह है ये बहुत ऊंचाई पे है, वहां पे जो है जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था और हमारे हारे जाने की वजह बस यही थी, हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे,
सही कपड़े का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर -14 डिग्री है, -14 -20, जस्ट इमेजिन अभी के टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर आपका जो है वो जीरो भी नहीं हुआ है दिल्ली का, 5, 7, 9 होने लगता है, तो मैं बोलते ये ठंडा का समय जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, रजाई में बैठे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो माइनस में वहां है, और उनको लड़ना है, खाना लेकर के जाना है, पानी पीना चाह रहे तो पानी नहीं पी पा रहे क्योंकि जो पानी था वो क्या हो गया है, और बाकी जगह जो पानी है वो ऑलरेडी जमा हुआ है, कैसे करके करे, तो ये बेसिकली स्थिति है। तो ऐसे केस में कहा गया क्या किया जाए, तो उनको जो ड्रेस दिए जाते हैं वो ड्रेस जो है वो हीट को बहुत हद तक क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उतना उनको ठंड नहीं लगेगा तभी वो लड़ पाएंगे। हमारे दीवानों के पास नहीं था, बस मोटा मोटा चीज पहनते थे और तब सामान भी लेकर के चलते थे, तो कैसे करके जा पाएंगे। तो यहां पे यही कहा गया कि आपको रिजनेबल टेम्परेचर क्या करना है, ये कॉस्ट अकर करेगा या नहीं, अरे भाई मुझे ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, जो लेकर के आएंगे उनको ठंडा लग रहा होगा, मैं बोला एकदम मैं चिल्ड पीऊंगा, वैसे मैं ठंडा पानी नहीं पीता, मैं बोलता हूँ एकदम आग जैसा जो है मैं चाय पीऊंगा, चाय भी नहीं पीता, लेकिन जब वो आग जैसा चाय लाएंगे तो उनके जलने का भी खतरा रहेगा या नहीं, रास्ते में लाते वक्त कहीं गिर गया तो उनके ऊपर गिर सकता है या नहीं, मुझे कोई दिक्कत होगी, चाहे वो यहाँ बॉटल से निकाल के दे चाहे कप में वैसे ही करके लाए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ये टेम्परेचर क्या करना होगा, तभी तो ये सारी बिजली किस पे गिरेगी, ऑक्यूपायर पे, क्योंकि रियल पैसा तो मैनेजमेंट ही ना आपका जो वो बोलेगी, इंप्लीमेंट करना काम होता है जो वहां इंप्लॉय है। अगर बोला जाए, मैं बोलूं कि कल से जो है वो यहां पे जो है 1 RO भीतर लग जाए, उन्हें कोई दिक्कत है, हाँ या ना, नहीं, बस मैनेजमेंट ने अप्रूव किया यहां पे लग जाना, ठीक है सर लगा देंगे, लेकिन ये जो है वो मैनेजमेंट ही तय करेगा ना, इसलिए ये उनके ऊपर। डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल्ड बिलो परमिसेबल लिमिट, वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, डस्ट एंड फ्यूम शुड नॉट बी देयर लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है कंट्रोल बिलो परमिसेबल लिमिट, क्यों भाई क्यों, डस्ट और धुएं में क्यों, हम और आप डस्ट और धुएं में है अभी, हाँ या ना, उनको क्यों डस्ट धुएं में रखेंगे, सीधे लिखते देयर शुड नॉट बी एनी डस्ट एंड फ्यूम, इसका मतलब ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे डस्ट और क्या होगा, धूल होगी। आप अपने घर में जो है कोई काम करवा करके देखिए, कभी छोटा मोटा भी काम करा के देखिए, थक जाते हैं काम के बाद कि उसके बाद ये रूम में किया तो पूरे रूम को फिर डस्टिंग करो क्योंकि हर जगह धूल, छोटा सा 2-4 ड्रिलिंग करवाइए कोई जो है वो सीनरी वगैरह टांगने के लिए, तो देखिए सब उड़ करके बेड पे पड़ा ये पड़ा, और यहाँ पे तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है तो डस्ट और फ्यूम होंगे या नहीं, जहां आग जलेगी कहते धुआं उठेगा ही तो फ्यूम भी तो होगा। लेकिन क्यों कहा जा रहा है परमिसेबल लिमिट, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग लिमिट दिया हुआ है, अगर लिमिट नहीं देंगे तो ये गंध मचा देंगे, क्यों गंध मचाएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट लगाना पड़ता है उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कह दिया गया कि इससे ज्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, अब ये चेक कौन करेंगे, चेक कौन करेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जब आएंगे एकाएक विजिट पे, और उनके पास इक्विपमेंट होते हैं जिससे चेक करते हैं। अब यहां पे ही चलता है, हे द्रव्य तू सर्वगुणा, डिपेंड करता है कि आपने क्या कैसे सेटिंग की है, तभी तो अगर सब सेटिंग है तो एक बार भी इन चीजों का नहीं जाएगा, और जिनका नहीं रहता है वो फैक्ट्री देखिएगा लगातार बंद रहता है। अगर कोई राइवल्स बढ़िया मिल गया है और वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को जो है वो मिला लिया, तो उस केस में फिर पूछिए मत, बेचारे की फैक्ट्री हमेशा क्या रहेगी, बंद रहेगी। क्योंकि जब भी आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी गाड़ी मुझे बता दीजिए इंडिया में जो सारे के सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर रही हो, कोई भी व्हीकल, आप अपने व्हीकल को बहुत साफ सुथरा रखिए और उसे जो है वो चेक करने के लिए पहुंच जाए, उसमें 4 ना 5 चीज निकल आएगा। कभी हेलमेट का आप जो पहने रहते वो हेलमेट अप टू मार्क नहीं रहेगा, कभी बेल्ट, कभी गाड़ी के बाकी, कभी फर्स्ट एड किट नहीं रहेगा, और फर्स्ट एड किट है तो उसमें ये चीज नहीं है, दुनिया भर की चीजें जो निकाला जा सकता है। ठीक वैसे यहां पे कहा गया कि ये चीज होना चाहिए कि क्या, कि जो लिमिट दिया हुआ उस लिमिट से क्या रहे, कम रहे, क्योंकि हम भी इस बात को एडमिट करते हैं कि धूल होगा ही, धुआं होगा ही, लेकिन अगर जो है वो इतना बड़ा, तभी तो बताना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं। अगर आप मुझे क्वांटिटी और ये बताइएगा तभी तो मैं लिमिट सेट करूंगा, और अगर उस लिमिट से ज्यादा रहा तो ऑफेंस है, हो सकता है आपके लिए मैं बोल दूं कि इस लेवल तक का डस्ट अलाउड है, मान लीजिए किसी यूनिट में कर रहे हैं तो 50 यूनिट तक, जो 80 यूनिट तक अलाउड कर दिया, लेकिन हो सकता है कि यही चीज जो है मैं दूसरे के लिए क्या करूं, दूसरे के लिए जो है ये हमारा अलग हो सकता है, ज्यादा या कम हमारा हो सकता है। तो एक के लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, ये जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे इंडस्ट्रियल जगह के लिए मैंने क्या बोला कि भाई ये जो है वो 120 हो सकता है, आपके लिए जो है वो 80 का दायरा रख दिया।
तो आप वो उस परमिसेबल लिमिट में रखें। और लिमिट में रखने का मतलब क्या लगाना पड़ता है, इक्विपमेंट, जो धुआं निकलते हैं अगर अच्छे इक्विपमेंट है तो वो जो है वो ज्यादा इमिट नहीं करेगा। आप गाड़ी का ही एग्जांपल ले लीजिए ना, मशीन ही तो रहता है फैक्ट्री में भी। आप देखिएगा कुछ गाड़ियां वगैरह जो बाइक या कोई और चीज चलता है ऐसे करके आवाज, और इतना ज्यादा उससे जो है वो फ्यूम इमिट होगा, और किसी का एकदम जो है वो आराम से जा रहा है, लगेगा कि बहुत कम, हल्का सा, बहुत नजदीक से देखें तो हल्का सा ही फ्यूम क्या लगेगा, धुआं जो है वो निकल रहा है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल बिलो परमिसेबल लिमिट, क्या आप मुझे बता पाएंगे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन? जानना पड़ेगा, रटने के लिए रट सकते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिड। अच्छा, तो ह्यूमिडिटी वर्ड पहले जरा समझते तब आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन पे आते हैं। ह्यूमिडिटी कब क्रिएट होता है? इसका मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। और यही आप देखते हो कि गर्मी में अगर हल्की बारिश हो जाए तो आप बोलते हैं डिजास्ट्रस, ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब हल्का होता है तो आप क्या बोलते हैं, वो जो पार्टिकल होते हैं वो हवा में ही लटके रह जाते हैं, मतलब पॉल्यूशन वगैरह के बीच में, तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। यहां पे ही जो है अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना रहा तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगा। अगर जो है वो एसी जो है वो क्या, एसी छोड़िए, अगर यहां पे अभी कूलर चला दिया जाए तो उससे जो है ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाए, क्योंकि कूलर में क्या होता है, पानी, और यहां पे वेंटिलेशन तो नहीं, क्योंकि एसी जिस कमरे में रहेगा वहां वेंटिलेटेड कैसे रख सकते हैं। तो यहां पे कह रहे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, और वो भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। तो भाई ह्यूमिडिटी होगा ही क्यों फैक्ट्री में, फैक्ट्री तो ओपन ओपन रहता है। तो अब जरा देखिए, आप लोग एसी प्लांट देखे हैं, सेंट्रलाइज एसी का प्लांट कहीं मौका लगा है देखने का? नहीं। कभी मूवी हॉल वगैरह में आपने लंबा सा ऊंचा सा बड़ा सा रैक रैक जैसा चीज देखा और लगातार उस पर पानी गिरता रहेगा, पाइप पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा? इंद्रप्रस्थ वाले में जाएंगे तो आपको वहां दिखेगा, और ये हमेशा यूनिट बाहर रहता है, वो एसी का प्लांट रहता है, सेंट्रलाइज एसी का प्लांट। तो एसी जो हमें इतना जो है वो ठंडा देता है, वो खुद बहुत गर्म होता है उसके पाइप, और अगर उस पर लगातार पानी ना पड़े तो पॉसिबल है कि वो ब्लास्ट कर सकता है। ऑल दो बहुत अच्छे मटेरियल का है, फिर भी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस पर लगातार क्या पड़ते रहना चाहिए, तभी उसके भीतर से जो है वो गैस वगैरह जाते रहेगी, क्योंकि वो गर्म हो जाता है इसके कारण। नहीं कहीं देखे हैं तो विश्वविद्यालय, मेट्रो स्टेशन जब आप जाइएगा तो यूनिवर्सिटी साइड में जो है बाहर में ही जो है वो वहां पे प्लांट है, मेट्रो का वो प्लांट है सेंट्रलाइज एसी का, क्योंकि उन्हें तो बहुत बड़े एरिया में एसी लगाना पड़ता है। तो आप देखिएगा बहुत ऊंचा सा आपको जो है बीच जो है वो रास्ते में ही दिखेगा, मतलब जहां सड़क है इधर ये है और बीच में वो प्लांट दिखेगा, लगातार उस पे पानी जो गिर रहा है, ऐसा लगेगा कि पानी इस पे गिर क्यों रहा है, और नीचे फिर गिरता रहेगा, फिर वही पानी उठ उठ के फिर उसके ऊपर जाता है, झरना वाले प्रोसेस में जाता है। जहां पे गर्म चीज पे पानी के छींटे पड़ेंगे तो ह्यूमिडिटी नहीं क्रिएट होगा, तभी तो गर्मी में जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी होती है। तो कहा ऐसे बहुत सारे प्लांट हमारे होते हैं जिसमें हमें आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट किया जाता है, उसका लेवल क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब लिमिट में होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे धुआं में प्रॉब्लम होता है, जैसे धूल में प्रॉब्लम होता है, वैसे अगर जरूरत से ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा यू कैन नॉट ब्रीद प्रॉपरली। तो ये आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्या होना चाहिए, कंट्रोल बिलो। अब ये परमिसेबल लिमिट क्या हुआ, और ये कितना परमिट है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना चीज बनाने के लिए क्या परमिशन लिया हुआ है। अगर आपका बड़ा यूनिट है तो क्या रहेगा वहां पे, ज्यादा रहेगा, और अगर छोटा यूनिट है तो क्या रहेगा, कम रहेगा। वही मैंने जो आपको बोला विश्वविद्यालय बहुत बड़ा यूनिट है वो सेंट्रलाइज एसी प्लांट का, तो वहां पे जो है काफी ज्यादा उस एरिया में आपको ह्यूमिडिटी जैसे आप फील करेंगे, वहां के बगल से जाइए और कुछ नहीं ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल याद आ जाएगी गर्मी के समय का कि नहीं गर्मी में ऐसे करके थोड़ी देर पर लगता था नमक जैसा जो है वो जम गया, वैसा ही वहां पे आपको थोड़ा देर खड़े रही आपको इस ठंड में भी वैसा फील होगा, हालांकि ठंड में कम होता है ह्यूमिडिटी, लेकिन फिर भी वहां पे वो क्या है, अब वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल। और नेचुरल ह्यूमिडिटी क्या हुआ, जब बारिश हुआ उसके बाद हुआ तो नेचुरल, आर्टिफिशियल कर रहे हैं नहीं है इस समय ह्यूमिडिटी, आप जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जो है वो हीटेड प्लांट पे क्या करना है, लगातार पानी का थ्रो करना है। ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड, ओवरक्राउडिंग क्या मतलब है, ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इससे दिक्कत क्या, होने दीजिए भीड़, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो रोजगार कम कर रहे हैं आप तो दुष्ट हो गए। फिर
कम जगह में भी ज्यादा लोग इम्प्लॉयड होंगे तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिला, इससे आप खुश नहीं होंगे? नहीं, सैलरी भी दे रहा हूं, अच्छा सैलरी भी दे रहा हूं, लेकिन जगह मेरे पास छोटा है। और सोचिए, काम ढंग से नहीं करने के अलावा पहले सोचिए, लेबर के ढंग से सोचते हैं या पहले उनके सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर से सोचते हैं, है ना? खतरा ज्यादा है एक्सीडेंट वगैरह का, नहीं है? उनका अनकंफर्ट लेवल शुरू हो जाएगा। यही रूम, इतना ही रूम रहे, इसी में जो है मैं बोलूं कि फीस कम हो जाएंगे, लेकिन जम के बच्चे ठूस दिए, सोच लीजिए, फायदा हो रहा है लेबर को, ज्यादा लेबर काम करेगा, सब कुछ है, इंप्लॉयमेंट ज्यादा हुआ, लेकिन उन्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं, बोलते बस पैसे हमें मिलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है थोड़ी देर के आपको, नहीं सर पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, चलेगा, थोड़ा अनकंफर्ट भी होगा तो, लेकिन कहा गया कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है। आगे दिखलाऊंगा कि उनको एक खास आवर से ज्यादा काम भी नहीं करने देना है, आपको बताऊंगा कि ओवर टाइम जो है वो खूब करना चाहते हैं लेकिन लॉ नहीं करने दे रहा। बोले सर ये तो जाती हो गई, जितना कमाएगा उतना ज्यादा ही क्या करेगा, उसका लाइफ अच्छा होगा, लेकिन वहां भी कुछ लिमिट आ जाती है, देखेंगे। फिलहाल ओवर क्राउडिंग का मतलब है एक खास नंबर से ज्यादा जो है वो लोग नहीं रहेंगे, और ये ओवर क्राउडिंग सब कुछ तय होता है कि कितना बड़ा आपको क्या है स्पेस है। इन्होंने एक मेजरमेंट दे दिया है, इन जनरल मेजरमेंट, जो कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो देखिए कितना एरिया उसके लिए दिया है, बोलिए कितना एरिया लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। ठीक है, क्यूबिक मीटर में क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, मैंने तो पढ़ा स्क्वायर में निकलता है, एरिया का यूनिट तो स्क्वायर होता है, हाँ वॉल्यूम होता है क्यूबिक में, याद कीजिए। अभी कल भी मेरी बिटिया के साथ ऐसे बैठा था, उसका टेस्ट है पेरीमीटर एंड एरिया का, तो उन लोगों को भी ये चीज लिखा हुआ रहता है कि यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज, पेरीमीटर इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब है मीटर सेंटीमीटर जो भी बोलिए वो यूनिट्स हो गया, एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में, जो भी चीज बोलिए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर जो बोलिए, ऐसे ही वॉल्यूम किस में, क्यूब में। तो वॉल्यूम इसीलिए क्योंकि अगर हम बात करें ओवरक्राउडिंग और बाकी चीजों को लेकर के, तो बेसिकली वॉल्यूम वो चीज हुआ जो 3D डायमेंशन के कारण आपके पास आ रहा है। मैं जो चीज जो है वो एक्वायर कर रहा हूं वो सिर्फ जो है वो लेंथ और ब्रीथ ही नहीं, हाइट भी कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं इतना, अगर कोई इतना वाला आएगा तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, जहां खड़ा हूं वो और लंबाई, ये दोनों तो एरिया में आ गया, लेकिन क्या ये मोटाई जैसा चीज मैटर करता है या नहीं? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक पर्सन के लिए जो है वो आप जो देंगे वो एरिया नहीं देकर के बल्कि क्या दीजिए, वॉल्यूम दीजिए, और वो कितना है, क्यूबिक मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लेंथ ब्रीथ और किसको, हाइट को, और पर लेबर जो काम कर रहे उसमें इतना बड़ा एरिया होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को इंप्लॉय कीजिए। क्लियर है ये बात? यही मतलब, इससे ज्यादा अगर हुआ तो देन इट शैल बी कंसीडर एज व्हाट, कंसीडर एज व्हाट, ओवरक्राउड। भाई ओवरक्राउडिंग कहीं ना कहीं कम और ज्यादा अपने आप में ना बहुत ज्यादा जो है वो कहिए ओपन वर्ड है। मैं बोलता हूं कि मेरे पास कम पैसे हैं, किससे कम, रेफरेंस लेना पड़ेगा, बहुत लोगों से ज्यादा होगा और बहुतों लोगों से मेरे पास क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है बहुत कम दिन बचे हैं। अब आपके लिए कम का क्या मतलब है, किसी के लिए जो है वो कहते हैं एक दिन भी टाइम मिलेगा तो फोड़ डालेंगे रिवाइज करके, कोई बोलता है मेरे से तो 10 दिन में भी ना हो। तो ये कम और ज्यादा जो है एक रेफरेंस होता है, इसीलिए हमें नंबर बताना पड़ता है, और इसीलिए आप लॉ में देखेंगे हर जगह बताया हुआ है कि इतने दिन में करो, इतने देर में करो। तो वैसे यहां पे बोला कि ओवरक्राउडिंग कहां से कंसीडर होना शुरू हो जाएगा, अगर पर इंप्लॉय पर लेबर हमने 14.2 क्यूबिक मीटर से कम स्पेस रखा तो इसका मतलब हमारे ऊपर कौन सा प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा, ओवरक्राउडिंग का हो जाएगा, कि हम अपने प्लेस पे क्या रख रहे हैं, ओवरक्राउडिंग रख रहे हैं। ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने, क्योंकि इसमें बहुत एस्पेक्ट दिया हुआ है, मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट ही बोलूं तो आपके एक सब्जेक्ट इतना है, लेकिन हमें बीच का रास्ता लेकर के चलना है ताकि जो है वो छूटे भी नहीं कुछ और सब कुछ कवर भी रहे। लाइटिंग ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब सही जो है वो लाइट रहे ताकि ऐसा ना हो किसी चीज से टकरा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि दीपावली मना दे उनके लिए, ये मतलब नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर ये सब होना चाहिए, आगे बताऊंगा कि कितने लोग रहने पे डिस्पेंसर भी रखना पड़ेगा, ठंडा पानी भी देना पड़ेगा, बट इतना तो है कि एक भी पर्सन है
ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री होने के लिए तो 10 कम से कम चाहिए। अगर मैं अब एक भी बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन आपके ऊपर क्या हो रहे हैं, तो जितने भी पर्सन रहे आपको ड्रिंकिंग वाटर और लाइटिंग क्या रखनी पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। एक खास नंबर से ज्यादा रहा तो कैसे रखना पड़ेगा वो देखेंगे जब खास नंबर पे आएंगे। वंस इन एवरी वीक, कितने दिन में, द फ्लोर शुड बी थोरली क्लीन बाय वॉशिंग विथ डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब है बाकी दिन सफाई नहीं होगी, बाकी दिन तो होगी, और सप्ताह में कम से कम एक दिन किससे जालिए, कीटाणुनाशक जो दवाइयां होती है उससे क्या करना होगा, फ्लोर को साफ करना पड़ेगा। और भी जगह सफाई के बारे में बताऊंगा, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, और बाद में जब सब बता दूंगा तब आपको दिमाग में रखना है कि ये क्लीन से रिलेटेड हुआ और ये कन्वीनियंस से रिलेटेड हमारा चीज हो गया। एक दिन डिसइंफेक्टेड से क्या होना चाहिए, साफ होना ही होना चाहिए। क्लियर है? ये सब किसके बारे में था, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस के बारे में। ये सारा का सारा प्रोविजन कौन प्रोवाइड कराए, कौन प्रोवाइड कराए? अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, बिल किसके नाम से? अब ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि अपने हाथों से साफ करें, अपने हाथों से जो है वो सब कुछ मेंटेन करें। अभी आगे इसमें बढ़ते हैं, और भी चीज है, व्हाइट वॉश कंटिन्यू, क्योंकि वो स्लाइड में स्पेस कम था इसीलिए हम कंटिन्यू करें। ये सब किसमें हम पढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस में। देखिए इसीलिए मैं यहां पे कैरी कर रहा हूं, ये दोबारा भी लिखा हुआ है, और सबसे ऊपर में देखिए प्रोविजंस ही हैं लगातार, अभी जो हम पढ़ते रहेंगे क्या है, प्रोविजंस हैं। और प्रोविजंस में किस हेड के भीतर ये सब हम पढ़ रहे हैं, बस ये बार बार बोलने का एक ही पर्पस है कि अगर एग्जाम में कहीं फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस दे करके मारा तो आप बोल्ड ना हो, अदरवाइज प्रोविजन तो आपको याद। अभी जितने हमने पढ़े उसमें से बताइए, चार नहीं बता पाएंगे, बता देंगे तो, लेकिन अभी इसीलिए और आसानी से आप बता दें क्योंकि अभी ज्यादा प्रोविजन नहीं पढ़े। जब ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो क्या होने लगता है, फिर तब वो मिक्स होने लगेगा, और अभी तो एक ही टाइप में जा रहे फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस, तो अभी मिक्स नहीं होगा। जब वेलफेयर भी कुछ पढ़ा दूंगा और सेफ्टी भी पढ़ा दूंगा, तब जब मैं कुछ पूछूंगा ये तो बताइए सेफ्टी में है या इसमें, तो ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट रहेगा तो निकल जाएगा वो। व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी डेज, वाह 14 डेज पे अगर उनसे कराएंगे तो बेचारा सुसाइड कर लेगा, कोई फैक्ट्री चला पाएगा? यहां पे व्हाइट वॉश और कलर वॉश का मतलब यही हो गया कि जो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग है, जो एप्लीकेबल चीजें हैं वो करवाना। तो ये 14 मंथ्स जो है मुझे बताई तो कहीं मैंने लिखा नहीं, ये एटलीस्ट वंस लिखा है, इसका मतलब मिनिमम है या मैक्सिमम? कम से कम 14 महीने में एक बार तो कराना ही है, अगर 14 मंथ्स में दो बार करा लिया तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है? हर महीने करा रहे हैं तो कॉन्ट्रावेंशन है? बिल्कुल ही नहीं है। हमने जो स्पेस बोला वो 14.2 क्यूबिक मीटर बोला फॉर एवरी एम्प्लॉय, अगर हमने 20 क्यूबिक मीटर दे दिया तो कोई ऑफेंस है? और अच्छी बात है। वेयर सरफेस हैज बीन पेंटेड रिपेयर शुड बी कैरिड आउट वंस इन एवरी, वो तो व्हाइट वॉश और बाकी था, लेकिन अगर सरफेस क्या है, पेंटेड, आपको भी लगता है कि अपने घर में भी पेंटिंग वगैरह हम लोग जो है वो हर साल नहीं कराते हैं, अलग अलग जगह पे व्हाइट वॉश वाला चीज अलग होता है, लेकिन अगर पेंटिंग वगैरह होता है डिस्टेम्पर्ड कराए रहते हैं, प्लास्टर पेंट नहीं बोलते, अलग अलग तरह के होते हैं, ऑयल पेंटिंग है कुछ ये तरह का है जिसका दीपिका पादुकोण ऐड करती है ऐसे ऐसे करके पूछती है, अगर ऐसा ऐसा चीज है तो ऑब्वियसली बात है वो तो 10-10 साल पे होता है, क्योंकि एक बार आपने करा दिया उसको सिर्फ पोंछ देंगे आप तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कल आपने क्या किया है, तो कॉस्ट भी है, जितना आपके पूरे घर में लगेगा उतना सिर्फ एक वॉल में वैसा लगेगा नहीं। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग का टेक्सचर वाले पेंटिंग है, छुएगा तो लगेगा ये पेंटिंग है या इसके ऊपर जो है वो टाइल्स ही लगा दिया गया, ये कहीं टाइल्स तो नहीं है। तो कह रहे अगर ऐसा कोई चीज है जो कि पेंटिंग का पार्ट है तो ऐसे केस में एंड रिपेयर शुड बी कैरी डॉट, उसका रिपेयर जो है वो कितने दिन पे होना चाहिए, लेकिन अगर वॉशेबल है तो कितने महीने पे धो देना है, धो दीजिए 6 महीने पे, लेकिन पूरे तरह से फिर उसको जो ठीक करना और रिपेयर करना कितने दिन पे, जहां पे उखड़ गया जहां पे झड़ गया है तो वो 5 साल पे कीजिए, लेकिन सफाई कितने दिन पे, अगर जो है वो व्हाइट वॉश या कलर वॉश है तो कितने दिन पे, क्योंकि हम ये मान के चलते, आप देखिएगा घर में जब चूना होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा या नहीं, हमारे घरों में पहले होता था फिर धीरे धीरे अब ठीक हो गया, तो गांव के जो घर होते थे वहां खास तौर पे चूना ही होता था, और यकीन मानिए बहुत बड़ा आयोजन होता था जब होता था, हम लोग को बड़ा मजा आता था, और हम लोग को हर वो काम में मजा आता था जहां पढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम लोग की भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होती थी, बाबा लोग बोलते थे चलो अभी पढ़ेगा नहीं सब काम करो, और क्या काम करते थे, पूरे बड़े से कंटेनर में ना वो चूना डाला जाता था और पानी डाल के छोड़ दिया जाता था रात भर,
और उसके बाद वो जो है वो उसको किसी छोटे बकेट में लिया जाता था, फिर उसमें नील या कोई कलर मिलाया जाता था, पीडिडेंट जैसा चीज, और तब उसको फिर मिलाना है और तब उससे जो है वो काम हो रहा है। हम लोग काम हो रहा था, हम लोग का बस एक ही काम रहता था, देखते रहो मजदूर ठीक से काम कर रहा है नहीं, क्योंकि वो सारे दिहाड़ी के मजदूर होते थे। उस समय ठेके जैसा चीज का बहुत कम प्रचलन था कि इतने पे ठेका दे दिया, वो नहीं। बात भी मैं बहुत पुराना बता रहा हूं। मैं जब छोटा था, मैं छोटा का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी आपसे मैं डबल उम्र का हूं और मैं उस समय क्या था, मैं छोटा था तब की बात कह रहे हैं। तो उस समय एक हर साल दीपावली में पेंटिंग होती थी, और जैसे ही 6 महीने 7 महीने होगा उसके पपड़े उखड़ने क्या हो जाते थे। तो यही है जिसको कितने महीने पे करना है, और जो पेंटिंग वगैरह है उसके लिए कितना समय दिया, लेकिन धुलाई कितने दिनों में। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे केस लॉ के लिए सेंसिटिव एरिया है या नहीं, एमसीक्यू जबरदस्त हो सकता है एमसीक्यू या नहीं। यही सेंस आपको डेवलप करना है। जब अब सब कुछ जब खत्म होगा ना, कोई चैप्टर जब आएगा खत्म जब होगा तब बताऊंगा कि इस जगह से कौन कौन और किस किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पहले आप बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर इतना तो पता चल रहा है केस लॉ भी बन सकता है और क्या बन सकता है, और एमसीक्यू तो मुझे जबरदस्त यहां पे दिख रहा है। 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर कर दे, और अगर मेरा बस चले तो मैं एग्जाम में सिंगल एमसीक्यू ना दूं, मैं तो डबल फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, प्रपोज करूंगा, कर भी दिया है कि डबल फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है एक ही क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे भी जो है वो डैश डलवा दिया और यहां पे भी डैश डलवा दिया, और ऑप्शन में क्या किया, एक में 5 ईयर वाला लिखा ईयर के जगह 5, और यहां पे कर दिया 7 कि अगर बच्चे को ये याद हो और 6 नहीं याद रहे तो गड़बड़ कर दे। दूसरा कोई बच्चा है जो इधर का 6 मंथ्स तो याद रखा है लेकिन इधर वाला भूल गया है, तो उसको उधर का भी दिखेगा, और अरे 6 महीने ये ठीक है तो चलो इसमें इधर वाला डाल देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है किस तरह का किया जाए। बद्दुआ नहीं देंगे कि सर कीड़े फड़ेंगे आपको, मैं कह रहा हूं कि वो इतने तरह से सोच सकते हैं तो हम क्यों ना पहले ही क्या रहे। और ये नहीं कि सर कोई एक भी करके कर पाएंगे, अगर मान लीजिए दोनों दे दिया, इधर भी 6 महीने वाला एक में दिया और उधर 5 ईयर का नहीं दिया, तो हमें दोनों याद रखना है, 5 ईयर भी रखना है, और ताकि दोनों एक साथ भी डबल फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे तो हमें दिक्कत ना हो। चलिए, ऑल डोर विंडो एंड अदर वुडन और मेटलिक फ्रेमवर्क शैल बी केप्ट पेंटेड एटलीस्ट कितना। अब इसका मतलब लकड़ी और किसके सामान, मेटल वगैरह के जो गेट और बाकी चीजें हैं वो बेसिकली जो है वो कितने दिन पे, वो जो है 5 साल में एक बार जो उसकी क्या होनी चाहिए, पेंटिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद द डेट ऑन विच सच प्रोसेस आर कैरीड ऑन शैल बी एंटर्ड इन। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर जो है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर पहुंचे तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को कैसे पता चलेगा कि यहां पे कंप्लायंस हुआ है या नहीं। 14 महीने पहले यह काम हुआ था, जब पहुंचेंगे तभी वो बोल देंगे, अभी तो हुआ था, साल भर भी नहीं हुए, पॉसिबल हाँ या ना। भाई हम थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं नहीं 15 महीने हो गया काटो चलान, बोले नहीं अभी तो सर 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी तो दीपावली में ही करवाया था, देखो अभी दीपावली तो आया भी नहीं है, जबकि पिछले दीपावली में कराया था, अब तो बीत गए 14 मंथ्स। तो कहां ये मेंटेन होगा, कहा गया जिस दिन होगा उसी समय आपको रजिस्टर में क्या करना है, लिखना होगा। आप कहेंगे सर रजिस्टर में गलत लिखा, तो बताऊंगा आगे कि गलत लिखने पे क्या क्या जो है परिणाम हो सकते हैं, और वो पकड़े जाने का भी है। आपने उस खास डेट लिख दिया, हम जब आए थे वो, और फिर बीच में आपने उसमें गलत एंट्री की, तो पता तो चलेगा कि भाई पिछली बार आए थे तो इस डेट को, क्योंकि फोटो उसका सारा एक्सट्रैक्ट और फोटो कॉपी सब लेने का आपको राइट है, उसका इमेज ले सकते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि इस रजिस्टर को फोटो कॉपी करो और हमें क्या करो दो, या हम ले करके जा रहे हैं हम मार्क करके वापस करेंगे और आप वहां मार्क कर सकते हैं। आपको पता होगा कंपनी लॉ में बताया गया होगा या अभी तो शुरू ही आगे बताया जाएगा, कंप्लायंसेस वगैरह करने के लिए बहुत सारी जगहों पर XBRL का इस्तेमाल होता है। पहले जब किसी चीज को मेंटेन करते थे तो मेंटेन करते वक्त आप उसको अगर बदल देते हैं तो पता नहीं चलता था, जैसे अभी से लेकर साल भर बाद आपका जो है ऑडिट करना है, ये सब जानते हैं ना, एनुअल फाइल करना है, तो अगर मान लीजिए कि इस बीच में कुछ चेंज करना है 6 महीने पहले वाले में तो आप कर सकते हैं, बस वहां पे काटा पिटी किया और कर दिया। लेकिन अब क्या किया है, उसका बोला गया XBRL मेंटेन करने के लिए, यानी डेटा अगर आपने डाला कि इतने लोग थे इतने रुपये दिए इस डेट को हुआ था, आपने एक बार पंच कर दिया, ये पंच उसी दिन करना है, कर दिया नहीं क्या, तो अगले दिन आएंगे तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, तो उस दिन करना तो पड़ेगा ना, पंच तो आप करेंगे। अब आप देखते हैं कि अरे कोई आया नहीं है 2 साल से, इस चीज को नहीं देखा है, ऐसा करते हैं ये डेट को बदल करके 6 महीने पहले का कर देते हैं, ताकि अभी फिर जो है वो कंप्लाई करने की जरूरत
ना पड़े। 14 महीने में आपको पेंटिंग करना जरूरी था, आपने देखा 12 महीने हो गए अभी तक कोई नहीं आया है, इस चीज को कोई नहीं देखा है, आपने क्या किया उसको बस 2 महीने पहले कर दिया, तो आपको और समय मिल गया। ऐसे तो 2 महीने बाद ही करना पड़ता, अब जो है और 1 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा, वो एक्सेल ही है लेकिन चेंज नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर अगर गलती से कुछ लिख दिया तो गलती से लिख दिया तो उसके लिए आपको परमिशन मिलेगा और वहां पे एक नोट्स डल जाएगा कि ड्यू टू टाइपोग्राफिक एरर या ह्यूमन एरर या इनएडवर्टेंटली ऐसा हुआ था, इसलिए आपने उसको क्या किया है, ठीक किया है। तो यहां इन चीजों के लिए पूरी गुंजाइश है कि ऐसा कोई नहीं कर पाए, इसके लिए क्या किया गया, रजिस्टर आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सब लोग बेईमान हो जाए तब तो अलग बात है, करप्शन तभी तो होता है। लॉ बने हुए हैं सब मिलकर के, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और ये सबसे ज्यादा तब दिखता है जब कोई स्कैम होता है, बाकी समय में नहीं। नीचे से लेकर के मंत्री तक सब मिल जाते, तभी तो इतने बड़े बड़े घोटाले, चारा घोटाला, कितना बड़ा घोटाला था, ठीक है सजा मिली, पकड़े गए तो सजा मिली, और जो है वो जेल में ही है, नहीं है तबियत खराब रहे, जो भी रहे, जिस भी तरह का रहे, वो फोर्स बहुत तरह के चीज हुए हैं, कॉमनवेल्थ वाला चीज हुआ है, तो एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो एक और लाखों करोड़ में होते हैं, छोटे लाख में नहीं, करोड़ में नहीं, हजारों और लाखों करोड़ में होता है। तो यहां पे डेट मेंटेन करना क्या है, ऑप्शनल है या कंपल्सरी? कंपल्सरी है। अब देखिए इफ द स्टेट गवर्नमेंट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट्री कैनॉट कंप्लाई विथ अबव रिक्वायरमेंट, पॉसिबल? आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को, कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए और आप अपना स्टार्टअप वगैरह कीजिए, बना में इतने सारे कंप्लायंस और ये जब कराएंगे इन चीजों को करने के लिए तो मेरा तो दम निकल जाएगा। हमारे यहां इतनी सफाई नया हमने बनाया ही है, ये 14 महीने पे आप कह रहे हो उसको ये करो, इतने दिन पे कह रहे हो ये करो, तो हम इतने चीज को भी कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, या तो हमारा नेचर ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा क्या होगा, गंदा होगा। आपने तो बोला ये फैक्ट्री पे अप्लीकेबल होगा ना, जहां पे कोई लेबलिंग होता है जल्दी बताइए वो फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं? और मैं बता रहा हूं काम क्या होता है, आप जो है वो कुछ सिस्टम वगैरह मंगाते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह बाहर से मंगाते हैं और अपने नाम का जो है वो स्टिकर लगा लगा करके उसे बेचते हैं, पॉसिबल? तो जहां ये आप करेंगे और जहां पैक करेंगे वहां पे लेबर तो होंगे, और कहीं पे कोई पॉल्यूशन वाला चीज नहीं हो रहा, बस कागज के लेबल है उसको चिपकाते हैं और ऑलरेडी जो है वो बना हुआ पॉलिथीन रखा हुआ है उसको रखते हैं और उसको स्टिप कर देते हैं, नहीं होता एक दबाने वाला, सारी चीज उस पर प्रिंट किए हुए, जैसे ही वो आपस में दबा अब वो पैक हो गया, अब वो फटेगा तभी खुलेगा, ऐसा चीज करते हैं। तो बताइए वहां पे जो है क्या दीवार खूब गंदा होगा हर 14 महीने पे और हर 5 साल पे मेटेलिक पेंट और ये सब कराते रहे, का वहां तो सालों साल ये चीज चलेंगे। तो अगर नेचर के कारण या किसी और चीज के कारण है तो इन एनी केस आप फैक्ट्री कहलाएं या नहीं कहलाएं? अरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लेबलिंग भी आता है, पैकिंग भी आता है, और फैक्ट्री एक्ट की ये प्रोविजन सबके ऊपर है, तो आपको कंप्लाई करना होगा या नहीं? अगर आप इससे वेवर चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट करेंगे और उस बेसिस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आपका वो फैक्ट्री पड़ेगा, वो आपके नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और चीजों को देखते हुए, वो चाहे सेल नहीं है, वो चाहे में लिखा हुआ है, अगर उन्हें लगता है तो वो आपको क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं इन प्रोविजन से और आपको कह सकते हैं कि इसकी जगह आप ये कर लीजिए, इतने दिन की जगह क्या कर लीजिए, इतने दिन का कर लीजिए। लेकिन ये जब तक परमिशन नहीं लिया और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। हो सकता है इस केस में आपको बोला जाए कि आप जो है वो 5 साल की जगह पेंटिंग जो है वो 8 साल में करें, 10 साल में करें, क्योंकि आपके यहां इस तरह का कोई भी जो है वो नुकसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके यहां कहीं भी लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं कि तुरंत जो है ये गंदा हो जाएगा, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो ज्यादा गंदा होगा, बोले ये तो लेबलिंग का काम है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, क्लियर है ये बात। लेकिन याद रखिए ये ऑन परमिशन है, जब भी कंप्लायंस लिखेंगे ये नीचे वाला नहीं, मैंने देखिए इसको कंप्लायंस में लिखा या नोट में लिखा है, आप भी एग्जाम में इसको नोट में लिखेंगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, पहले प्रोविजंस लिखेंगे, तो सारा प्रोविजन लिख के तब ये नोट लिखेंगे, क्लियर है। ये सारा प्रोविजन था फैसिलिटीज और किससे रिलेटेड, कन्वीनियंसेस। चलिए अब अगले प्रोविजन पे आते हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चों का आज मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है, एक बार देखिए अगर कोई आपको टेक्निकल इश्यू है तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे टेक्निकल टीम से, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपकी मदद करेगी अगर किसी तरह से कोई दिक्कत हो रहा हो, अदरवाइज आप जो है वो प्रेजेंस जरूर बताएं मुझे ताकि पता रहे कौन कौन है अवेलेबल। आइए वेलफेयर मेजर्स,
हमने बेसिकली कहा था कि हमें तीन चार तरह के चीज दिखेंगे। एक किस में आया, कन्वीनियंसेस एंड फैसिलिटीज, एक वेलफेयर, सेफ्टी, हैजार्डस, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल रहेंगे तब को लेकर के। तो ये जो है हमारा कौन सा फैसिलिटीज है, वेलफेयर। तो कहा कि वॉशिंग फैसिलिटीज, वहां पे जो है वो वॉशिंग का क्या होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए, ताकि वो खाना खाने से पहले या बाकी जो है वो किसी तरह का लंच वगैरह ये करने जाए तो उससे पहले जो है वो एक प्लेस हो जहां पे वो वॉश वगैरह कर सके। क्योंकि अब कहिएगा सर वहां पे क्या सजनेश सवरने गया है, फैक्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हो तो समझिए जो है वो पूरे तरह से गंध मचा रहता है। बहुत सारे ऐसे काम जिसमें कोयला, ग्रीस, डीजल इस तरह से लगा हुआ रहेगा कि अगर आप प्रॉपरली साफ होकर के ना खाएं तो वो अनहाइजेनिक। अब खास करके अब तो और ये जरूरत महसूस होने लगी जब से कोरोना और बाकी चीज का अटैक हुआ है। पहले तो लोग इतना नहीं इस चीज को मानते थे, पहले मास्क वगैरह, दिल्ली में कभी भी बिना मास्क के निकलने वाली स्थिति नहीं थी ड्यू टू पॉल्यूशन। मैं भी जब आता हूं तो यहां तक जो है वो मास्क के साथ ही फिर आने के बाद कैमरे के सामने आना है तो हटता है, नहीं तो आज भी मैं आप लोग को भी इसीलिए चाहता हूं कि इनकरेज करना कि बाहर निकले तो प्लीज जरूर लगा करके निकले, क्योंकि आपका एक सप्ताह के लिए भी बीमार होना आपको पीछे कर देता है, बीमार ना हो। और यहां तो ऐसे इतना डस्ट और जो है वो आपका जो है वो पॉल्यूशन है कि एक सर्दी जुकाम तो समझिए आए दिन होना बहुत कॉमन सी बात है, तो कम से कम उसी से ही बचेंगे। तो कहा गया कि वॉशिंग फैसिलिटी ताकि वो प्रॉपरली क्लीन होने के बाद ही जो है वो क्या कर सके, अपना लंच या बाकी चीज कर सके। ऑल मशीन शुड बी प्रॉपरली फेंस। अच्छा एक और चीज मैं कह रहा था, सीवर वगैरह की सफाई अभी बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारे जगहों पे अभी भी रोबोटिक नहीं होता है। रोबोटिक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हो रहा है, कुछ जगहों पे रोबोटिक सफाई शुरू हुई, मतलब रोबोट के जरिए सफाई, नहीं तो अभी भी 90% केसेज में इंसान ही करते हैं। गंदे से गंदे चीज को भी साफ करने का काम वही करते हैं, यानी उसमें उतरना तक भी। तो मुझे बताइए वहां से उतरने के बाद क्या आपको सीधे घर भेजा जाएगा, अभी तो आपका पूरा दिन नहीं खत्म हुआ, 8 घंटे होंगे तब आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। तो उस दौरान बीच में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, जब घर वापस जाने लगे तो वैसे ही जाएंगे हर जगह भींगे हुए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए या नहीं। अब ये जब ऑडिट के लिए वो जाते हैं या इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह का वर्क हो रहा है। अगर मान लीजिए लेबलिंग जैसा वर्क हो रहा है, वहां पे मैंने यूरिनल और बाकी वॉशरूम दिया हुआ है, तो क्या वहां पे जो है वो बाथिंग फैसिलिटी भी होना जरूरी है? नो। कौन सा काम मैं करा रहा हूं, लेबलिंग, मतलब पैकेट को पैक किया, लेबल लगाया और आगे बेच दिया, कोई गंदा और कुछ इस तरह का काम नहीं है। ऑल मशीन शुड बी प्रॉपरली व्हाट, प्रॉपरली फेंस्ड। मशीन शुड बी प्रॉपरली फेंस का मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर वहां पे गिर गया तो पता चला कि वो जो है वो कितना टाइम लगेगा गलने में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्टील को जो गला देता है, ह्यूमन अगर उसमें गिर गया या किसी तरह से हाथ गया है कुछ, और आप कटर वगैरह देखते होंगे, देखते कितना बड़ा बड़ा कटर होता है टीवी वगैरह पे या देखेंगे, या आजकल तो शॉर्ट्स और यूट्यूब का जमाना हो गया, उसमें भी कभी कभी कुछ कुछ चीज में दिखलाते रहते हैं कि कैसे जो है वो जो स्क्रैप वगैरह होते हैं उसको डिसमेंटल कैसे किया जाता है वो सब दिखलाते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे कटर जैसा चीज है, अगर वो प्रॉपरली फेंस नहीं है, वो कटर का काम ऊपर से नीचे गिरना है, लेकिन उस एरिया में अगर बाहर से जो है वो फेंसिंग नहीं लगा रहे, कोई एकाएक ऐसे ही आगे बढ़ गया, ध्यान नहीं दिया कि वो कटर ऊपर, उसका तो टाइमिंग है कि टाइम है ऊपर फिर नीचे होता रहेगा और जो चीज आएगा वो कटता चला जाएगा, ऐसे ही कोई बंदा वहां पहुंच गया, दो टुकड़े हो जाएंगे पूरे। सरप्राइजिंगली देखो वो इतना तेज मशीन और ये होता है कि बिल्कुल बीच से ही चीर डालेगा जैसा तरह का रहेगा। तो कहा गया कि उसको प्रॉपरली क्या होना चाहिए, फेंस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। आपने कभी आटा चक्की देखा है जहां पे गेहूं की पिसाई होती है? क्योंकि आजकल तो ज्यादातर जो है वो पैकेट वाला आता है, लेकिन अगर बचपन में या कभी आप गए होंगे, हम लोग को छोटे में जो है वो भेजा जाता था, क्योंकि घर में गेहूं धुलता था, उसको सुखाया जाता था, सूखने के बाद उसे थैले में दिया गया और मैं, मेरा छोटा भाई जाते थे और वो पिसवा के लाते थे। वहां जब आप जाएंगे तो देखेंगे उस चक्की में एक बड़ा सा इस तरह का जो है वो पट्टी सा लगा होता है, ये जो है वो इस व्हील और इस व्हील के बीच में होता है। इस व्हील पे जो है वो कीप जैसा रहता है, इसमें जो है वो गेहूं डाला जाता है, और ये जो है ये मोटर वाला व्हील यहां लगा रहता है जहां पे जनरेटर लगा रहता है, वो जनरेटर इसको घुमाता है तो ये वाला व्हील भी घूमता है और इससे जो है ये कटता जाता है और तब यहां पे जो है वो
आटा ऐसे करके निकलने के लिए यहाँ पे एक कपड़ा सा लगा रहेगा, उसमें आपके थैले को लगा दिया जाता है, उसमें गिरता जाता है या कोई कंटेनर रहता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, वो जो घूमता है पट्टी जैसा चीज, वो पट्टी जैसा चीज बहुत खतरनाक। ये खतरनाक इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने में वो खुला है और उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उनके अपने ही बच्चे जो मिल ओनर थे, बच्चे लोग भी उनके देखते रहते थे चीजों को, तौलने वगैरह का काम, वो गलती से खुल गया। वो रिपीट लगा हुआ रहता है ऐसे करके जो है, वो देखिएगा इतने चौड़े पट्टे से होंगे, ऐसे आकर के वो एक जगह इसको स्टील जैसे से दबा दिया जाता है। यही उसका सेंस है, वो धागे से सिलने जैसा नहीं रहता, उसको स्टेपल जैसा किया जाता है, अलग तरह के स्टेपल से। वो उखड़ गया। अब वो उखड़ गया तो आगे फेंसिंग नहीं लगा हुआ था, अगर फेंसिंग लगा रहता तो नहीं होता। वो जो उखड़ करके फेंकाया तो उससे जो है वो उसे लगा और बिल्कुल सीवियरली हॉस्पिटलाइज, हालांकि बच तो गया लेकिन शायद पैरालाइज हो गया क्योंकि उसके इस पोर्शन में चोट लग गया, फटा भी और शायद जो है वो सेंस ही खत्म, मतलब उसके बाद पैरालाइज जैसा हो गया, इतना ज्यादा चोट लगा। अब जरा सोचिए, ये उस छोटे से मशीन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे तो जो है वो कितने बड़े बड़े मोटर और बाकी चीज लगा है। तो जितने भी मशीन है वो जिस तरह से फेंसिंग उसका होना चाहिए, उस तरह से उसकी क्या होनी जरूरी है, फेंसिंग होनी जरूरी है। कुछ जगहों में डबल फेंसिंग किया जाता है। डबल फेंसिंग इसलिए किया जाता है कि उस एरिया में भी जाना जरूरी है लेकिन थोरोली कोई वहां ना चला जाए, तो इसके लिए पहले छोटा फेंसिंग रहता है कि भाई लोगों को पता चल जाए कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कम हाइट की फेंसिंग रहेगी क्योंकि सामान भी उतारना है। पूरा फेंसिंग कर देंगे तो बड़ा बड़ा सामान कैसे जाएगा, जिसको कट करना है वो तो बहुत बड़ा बड़ा पार्ट होता है, तो वो छोटा जो है वो हाइट रहता ताकि वहां तक ले जा सके। उसके बाद जहां कट मशीन लगेगा उसके ऊपर ऊंचा फेंसिंग रखा जाता है। ये इसीलिए कि एक सिंबॉलिक चीज हो गया कि इससे आगे जो है नॉर्मल लोगों को नहीं जाना। आप कहेंगे सर लोग खुद अपना ध्यान रखेंगे ना, अगर लोग खुद अपना ध्यान रखते तो कहीं भी, मुझे बताइए, शराब को बंद करने के लिए या गुटखा पे बैन लगाने की जरूरत थी? आपको अगर जो है वो ये बोला जाए कि आप जो है वो हेलमेट पहन करके चलते हैं तो आपकी सुरक्षा हो रही है या सरकार की सुरक्षा हो रही है? लॉ क्यों बनाया गया कि ट्रिपलिंग पे लोग नहीं जाएंगे, हेलमेट लगा करके चलेंगे? क्योंकि लोगों के ऊपर आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते, उस चीज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी आप अगर न्यूज, फिर न्यूज की बात आ गई, छपरा में बिहार में 30 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक 24 घंटे में, हाँ जहरीली शहर, जबकि वहां पे शराब बैन है। कल की बात कह रहा हूं और आज सुबह का, और अभी ये हाईलाइट में और आज भी आपको दिखा, इसको लेकर के वहां के विधानसभा में जो है बहुत शोर शराबा, बहुत हंगामा, बहुत बड़े लेवल पे बात जा रही कि जब शराब बंद है तो आया कहां से, जहरीला तो बाद में ना निकलेगा, पहले वो आया कैसे? तो यही सारा चीज लॉ एंड ऑर्डर का फ्लॉ है, जो भी चीज है। तो कहा गया किसी लिए बैन लगाना पड़ता, जैसे आपका जो है वो दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली में जो है वो गुटखा वगैरह बैन है, अलाउड नहीं है, अगर बिकता है तो फिर वही है कि लॉ बने हुए तो उसे रोका जाता है, लेकिन वही है पैसे लेकर के या कुछ लेकर के, तो वो करते क्या है, दुकान में जो है वो रखेंगे ऐसा चीज जिसमें टोबैको ना हो, जैसे मुंह में रजनी गंधा कदमों में दुनिया, अब उसमें जो है वो टोबैको ऐड नहीं किया था, मैं ऐसे ही बोल दिया, तो अब जो है उसमें जो है वो टोबैको नहीं है, उसमें जो है जो सब्सटेंस है वो आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मुंह तो हर चीज में खराब होता है क्योंकि उसमें सुपारी या कुछ और चीज है, वो इरोजन तो करेंगे ही, ना खाया जाए तो बहुत ज्यादा, किसी को ये रहे तो खाने उने के बाद कैरम सीड का यूज करना चाहिए, मतलब मुझे किसी डॉक्टर ने बताया इसलिए मैं आपको, गॉल ब्लाडर के ऑपरेशन के बाद मुझे सजेस्ट किया, कैरम सीड, अजवाइन बोलते हैं, अजवाइन या अजवाइन जो भी आप यूज करें, घरों में बनता है, पूरी वगैरह जब बनते हैं तो उसमें दिया भी जाता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही जो खाने के बाद लेने से दो तरह का, एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी हो गया और दूसरा आपके एपेटाइट को ठीक करता है, और पॉल्यूटेंट मतलब एंटी पॉल्यूटेंट भी है। आप कहेंगे सर ऐसे जिए तब तो हो गया, तो वो तो नहीं बात कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो सब डायलॉग है, तो फिर मेरा ये डायलॉग एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वहां बैन होने के बाद भी चीजें क्या हो रही है, तो इसीलिए जो है वो पहले आप अगर लॉ बनाते हैं तो आपका काम है उसको क्या करना, रोकना। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आप ये सारे चीजों को लेकर के नहीं लेंगे तो जो वहां काम कर रहे वो इतने केयरफुल, अगर केयरफुल होते तो बिना हेलमेट के आपको एक भी आदमी सड़क पे नहीं दिखता। सोच करके देखिए, अपने ही लाइफ को दांव पे लगा करके, जबकि यहाँ पे कैसा ट्रैफिक रहता है, हर एक आदमी दूसरे आदमी को दबा के निकले चाहे जो निकले, लेकिन उसे टाइम पे पहुंचना है, तो रैश ड्राइविंग होती है। मशीन शुड बी चेक्ड रेगुलरली एज पर रूल। अब ये जो है आपका चेक्ड फॉर एज पर रूल, इक्विपमेंट चेक होना चाहिए, क्या चेक करेंगे उसमें और क्यों चेक करेंगे? आप देखते होंगे कि जो आपके नट वोल्ट वगैरह बाकी सारे चीज जो होते हैं वो धीरे धीरे घिसने वगैरह लगता है,
तो अगर वो घिस गया तो एकाएक जो है वो बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहा गया कि आपको क्या करना है, आपको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहना है कि ये काम लायक है, सही तरीके से वर्क कर रहा है, और जो उसके लिए जो है वो स्टेप लेना पड़े, अगर वो काम का नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो स्टेप लेंगे। फ्लोर, स्टेयर एटसेट्रा आर फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी आपके फ्लोर हैं और स्टेयर्स हैं, खासतौर पे स्टेयर्स पे आप देखिएगा, अगर कभी ऑडिट में या आर्टिकलशिप में जब आप जाएंगे, जिसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आप जाएंगे, और आप ही लोग को ज्यादातर हम लोग भेजते हैं, हम लोग तो लास्ट वाले दिन जाते हैं, जो बंदा रहा उसको ही भेजा गया, ताकि उसे ही तो एक्सपोजर भी चाहिए और वो ठीक से काम भी करेगा। मैं जाऊंगा तो एक कितना सीढ़ी, और ये देखो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बाय गॉड वहां इज्जत बहुत मिलती है, सर और मैडम आप होते, क्योंकि उनको पता है ये किस पे आए, ऑडिट पे उनको ये थोड़ो ना पता है कि अभी बंदा बस एग्जीक्यूटिव किया है या सीएस अभी बना नहीं है, वो तो समझ रहा है अगर कुछ इसने लिख दिया तो फिर आपसे बूढ़े बूढ़े आदमी, कुछ तो वैसे लोग 50-50 साल के रहेंगे सर जी, और वो लोग जो है वो मैडम नहीं बोलते हैं, मैडम सर। आप कहिएगा सर ये कैसे पता, तो जो साथ में जाते हैं ना उनको भी, मतलब मैं रहा तो सर और कोई और रहे तो मैडम सर, मुझे और उनको एक साथ मिला करके नहीं, सिर्फ उनके लिए अलग से कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मैडम सर। क्यों करते नहीं पूछा मैंने कभी, सोचा कि कितना चीज क्या क्या पूछता रहूं। तो होते हैं जो उस तरह, हाँ जो बाकी है वो मैडम बोल देंगे, लेकिन जो लेबर क्लास के होंगे वो मैडम सर, और नहीं तो कभी कभी तो सर भी बोल देंगे, सर जी मैडम, बहुत तरह, मतलब आपको सम्मान जबरदस्त मिलेगा, पूरा राजकीय मिलेगा। तो वहां आपको देखना है कि जो आपके स्टेयर्स होते हैं वहां पे वो क्या करते हैं, अगर स्टेयर्स 3 फीट का है, स्टेयर्स भी किस जगह कितना होगा वो दिया हुआ है कि कितना जो है वो वाइड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 3 फीट का है तो वो 1 फीट तो वहां पे कार्टन वगैरह से भर देते हैं, क्यों कि यहां से तुरंत उठाना आसान है उनको प्रोडक्शन के लिए, जबकि रूल ये नहीं है, रूल है कि आज आपको प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके लिए एक अलग एरिया होता है कि इस एरिया में रखा जाएगा और उसको गोडाउन से ला करके रख देना है, जो बचा रह गया उसको आज ही जो है वो वापस कर देना है, और फिर जब कल मशीन जो है आपका ओपन होगा या कल जब फिर रिक्वायर्ड होगी तो फिर उसको वहां पे लाया जाएगा, या अगर ये 5 डेज में कंज्यूम होगा तो वो 5 डेज वाला ही रहेगा, ये नहीं कि पूरा वहां गंध मचा देंगे। लेकिन जो स्टेयर वगैरह होता है, लोग सोचते हैं कि भाई राम दीन राम हरिया राम खिलावन को ही तो जाना है, वो साइड से चला जाएगा। अब जरा सोचिए पीठ पे बोरे लेकर के, देखा है कभी जाते हुए ऐसे करके स्टेक लेकर के जा रहा होता है, ये नहीं कि उसे शौक है कि ऐसे झुक करके चले, मजा आ रहा है, स्टाइल है कैट बनने का तो रैट बनने का, ये नहीं, वजन इतना ज्यादा है कि खुद ब खुद ऐसे नहीं होकर के पीठ और क्या होता जा रहा है, एक तो होल्ड करने के लिए झुकना पड़ता है, दूसरा वजन इतना है कि जितना झुकना चाह रहे उससे ज्यादा और क्या हो जा रहे हैं, झुक जा रहे। और कितने मजदूरों के तो देखिएगा वहां काम करते करते रियल में जो है वो बाद में भी वो चलेंगे ना तो थोड़े झुके झुके से, क्योंकि लगातार जो है चीज उठाने के कारण हड्डी वैसे ही हो गई उनके, अब वो ऐसे लेकर के चल रहे। और बताइए वहां पे अगर जाने का सोचे, अंदाज लगे मैं ही यहां से जा रहा हूं, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा ना अगर ये और ज्यादा है, यहां से यहां तक जाऊंगा जाऊंगा, अगर ये खुला रहेगा तो शायद नहीं, हो सकता है कहीं गिर जाने लगा, यहां पे पैर टकराया, पॉसिबल है, और गिर गया। तो कहा गया कि गिर गया तो अब तो वो बेचारे 10-15 दिन तक तो वैसे ही बेड पे रह गए, और आपको पता है हर दिन कमाने खाने वाले हैं, बज गई बैंड उनकी। इसीलिए कहा गया कि फ्लोर वगैरह को और जो स्टेयर्स वगैरह है उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्या रखेंगे, फ्री रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का कैजुअलिटी ना हो। देखिए कैजुअलिटी होने के बाद जो आपको कंपनसेशन और ये मिलेगा वो बाद की बात है, अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारा हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो हम इंतजार करें कि एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, या हम पहले से ही प्रिकॉशन ले ताकि एक्सीडेंट ना हो, फेल होंगे दोबारा एग्जाम देंगे फिर एग्जाम देंगे पास हो जाएंगे, पहले एक बार फेल हो ले, या पहले ही बता दूं कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, या जा करके एक्सपीरियंस करके आइएगा। अब तो ये अलग अलग अप्रोच हुआ कि हम जा करके एक बार सिर्फ एक्सपीरियंस करें, या पहले से ही जो उस चीज को क्या करें हम तैयार करके जाएं। एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, हर जगह फायर फाइटिंग आप इस बिल्डिंग में भी देखेंगे, जो भी बिल्डिंग है, जबकि यहां पे उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के लिए भी जो है वो दिया हुआ है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है तो आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। एग्जांपल जो लोग दिल्ली के हैं मेट्रो में हर दिन आते जाते होंगे, या जो अपनी गाड़ी से आते होंगे दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कभी चले होंगे तो आपने जो है वो देखा होगा, नहीं मैं मेट्रो से आता हूं, कभी लेट होने लगा तो ई रिक्शा कर लिया, वो वहां से 10 रुपीज लेता है, और नहीं तो फिर क्या करता हूं पैदल आता हूं, बॉडी फिट रहता है पैसे बचते। अब देखिए दोनों चीज हो जाता है। अब देखिए कि अगर हम बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो में आपका जो सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देखते हैं, नीचे तक में जो है वो पाइप लगाने का मोटे मोटे वो लाल कलर वाले जो रहते हैं वो सब क्या है,
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी तो है, तो कुछ जगह पे वहां जैसा इक्विपमेंट है वैसा आपको यहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहां वो एक्टिविटी नहीं होती, वहां पे गाड़ियां चलती है, बिजली का इतना काम है, वहां पे ज्यादा सीवियर इशू हो सकता है, ज्यादा लोगों का क्या होता है, आना जाना होता है। तो ठीक वैसे ही जिस तरह का फैक्ट्री होगा उस तरह का वहां पे क्या लगा होना जरूरी है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। और ये चीज आप अगर कुछ याद हो, उपहार सिनेमा दिल्ली में ही जो हुआ है, उपहार सिनेमा में आग लगी थी, अब वो नहीं है, मूवी हॉल दिल्ली का है बहुत, और कुछ दिन बाद भी उसमें एक इशू हुआ था। तो कभी आप क्लास के बाद देखिएगा उपहार सिनेमा हॉल ट्रेजेडी, तब आपको जो वहां पे दिखलाई देगा। और इसके भी अलावा अगर और बड़ा देखिएगा दिल्ली का ये उपहार सिनेमा ट्रेजेडी, और एक जो आपका भोपाल गैस कांड, तो वो तो मैं किसी और जगह हैजार्डस के समय में उसका एग्जांपल दूंगा, इसलिए यहां नहीं दे रहा हूं। लेकिन वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो सही काम नहीं किया था वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई हैजार्डस चीज नहीं था। सिनेमा हॉल में क्या हैजार्डस चीज रहेगा, वहां पे तो लोग बैठते हैं और मूवी देख रहे हैं, जैसे आप यहां मुझे देख रहे हैं, ये दूसरी बात है। वहां एक्टर एक्ट्रेस सुंदर दिखेंगे, यहां पे जो है वो झेलना पड़ेगा, नहीं सिर्फ एक्टर, मैम आएगी तो अच्छी दिखेंगी, सिर्फ मैं आऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ अच्छे नहीं दिखेंगे, देखिए बोले तो आपको जो है वहां, अब ऐसा ही ना पर्दा पे दिख रहे हैं, यहां पे भी ऐसे ही दिख रहे हैं, वहां पे भी वैसे ही दिखेंगे, लेकिन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रॉपरली जो है वो नहीं चला, जिसके कारण जो है वो सैकड़ों लोग जल करके मरे थे। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसिज्म तो दूर की बात, ह्यूमन राइट्स और ये सब, कुछ दिन पहले उसका जो है वो जजमेंट आया था, क्योंकि हमारे यहां तो ऐतिहासिक फैसला ही होता है, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो यहां कह रहे हैं कि आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, और वर्ड देख लीजिए फिर मैं बार बार जो मार्क कर रहा हूं, क्यों बोला एडिक्वेट, क्योंकि यहां के लिए एडिक्वेट है जो लगा हुआ है, लेकिन यही फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अगर मेट्रो में लगा दिया जाए तो क्या वो एडिक्वेट कहलाएगा? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तो कहलाएगा, बट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो नहीं कहलाएगा। फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, मुझे बताइए वहां जाकर के तैयार होकर के बारात में जाएगा रामदीन, या रामदीन रामदुलारी वहीं से पीवीआर निकलेंगे? तो काम जो कर रहे हैं, जब बिल्कुल जो काम करेंगे, जो उनके क्लोथ्स होंगे, एक तो अगर काम ऐसा है जिससे क्लोथ्स गंदे हो रहे हैं, दूसरा उनके क्लोथ्स हैं उस काम को करने के लिए, तो उन चीजों को जो है फिर साफ भी तो करना होगा, और घर जाकर के थोड़ा ना, और कोई चीज फैक्ट्री का बाहर नहीं जाता है, वो ऑडिट का रूल होता है, तो वहीं पे वो साफ भी होगा तो उसको जो है वो फिर ड्राई भी होना रहेगा। तो इन चीजों के लिए जगह होनी चाहिए, या जहां मशीन है वहीं पे तार पे ही टांग दो, इलेक्ट्रिक वाले तार पे ही, शॉर्ट रहा तो हो गए, लॉन्ग शॉर्ट सब हो गए, कहा नहीं, उसके लिए अलग से क्या होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए स्टोर करने का भी, और क्या करने का, ड्राई वगैरह करने का अगर गीला हो गया, ताकि अगले दिन पहने तो फिर भींगा हुआ ना रहे। फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, ये सारा का सारा इंतजाम जो है वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए, बैठने वगैरह के इंतजाम होने चाहिए, यूरिनल वगैरह होनी चाहिए। आगे और भी चीज इस पे करेंगे, ये इसको इन्होंने किस कैटेगरी में रखा, वेलफेयर में रखा। चलिए वेलफेयर में हमारे बड़े सारे और भी मेजर्स हैं, पहले जो है वेलफेयर का, इतने मेजर्स जो हमने देखे हैं वो काफी नहीं है, अब मैं आपको किस जगह रोक रहा हूं। वेलफेयर आपने बोला, काम के दौरान कहीं थोड़ा सा चोट लग गया, क्या फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए या नहीं, यूरिनल वगैरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहा गया कि वेलफेयर के तो और भी बहुत सारे तरह के चीज आपके हैं, क्या रेस्ट रूम होना चाहिए या नहीं, ये सब तो वेलफेयर ही आ गया ना, ये सेफ्टी में नहीं आया, तो ये भी आपका जो है वेलफेयर सेफ्टी, ये सब थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है, मिक्स होता रहता है, इसीलिए बहुत कम आपके एग्जाम में वो क्या करते हैं, ऐसा कंफ्यूजिंग जैसा चीज पूछते हैं। तो और क्या क्या इंतजाम हो किस चीज के, वेलफेयर के, सेफ्टी के, अगर मान लीजिए वुमेन और मेल दोनों तरह के वर्कर काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए रेस्ट रूम अलग अलग होना चाहिए या नहीं, अगर रेस्ट रूम तो भाई रेस्ट रूम क्यों हो, काम करने गए वह सोने गए जो रेस्ट रूम रहेगा, कहा गया कि आप फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करने वाले लोगों के लिए रेस्ट बहुत जरूरी होता है, मेंटल के लिए भी है, मेंटल वाले बैठ गए तो काम चलेगा। आप देखते होंगे राम खिलावन हरिया बंसी बिरजू आपके घर में भी अगर काम करने आए हैं दोपहर में, जो उनका लंच ब्रेक हुआ भले दिहाड़ी पे ही आए, खाना खाएंगे और वहीं पे अपना एक छोटा सा टॉवेल गमछा जो भी बोल दीजिए या न्यूज़पेपर कुछ भी मिल जाए, नहीं कुछ मिला तो उसी से बस ऐसे ऐसे झाड़ेंगे और वहीं पे जो ऐसे करके थोड़ी देर लेट गए, वो जब आधा और एक घंटा लेट जाते हैं आराम कर लेते, उसके बाद जब उठते तो ज्यादा एनर्जेटिक होकर के फिजिकल वर्क को कर पाते हैं,
मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, तो जरा सोचिए, आप कंस्ट्रक्शन साइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आप अपने घर में देखे हुए हैं कि जो मजदूर आता है, जो मिस्त्री आते हैं, ठीक वैसे ही जो आपके फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, लेबर हैं, वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मसल्स जो है वो आपका थक गया है, इसको रेस्ट चाहिए, और रेस्ट चाहिए तो रेस्ट रूम होगा तो ना रेस्ट करेंगे, हर तरफ तो फैक्ट्री में शोर ही है, काम ही हो रहा है, तो कहा गया खाने का, रेस्ट रूम का ये सारा व्यवस्था क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो और कौन कौन से वो फैसिलिटीज हैं, और अगर हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके यहां जो है वो 500 लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे फैसिलिटी देने हैं, आपने सही से दिया या नहीं दिया, इसको देखने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ऑफिसर वगैरह को अपॉइंट करना, क्या वो कॉस्ट कैरी नहीं करेगा, तो वो कॉस्ट जो है वो कौन बियर करेगा, और बियर करने के बाद भी वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं, और क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, और हैजार्डस रहा तो क्या एक्स्ट्रा चीज कंप्लाई करेंगे, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, एकदम रिवाइज कर लेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फिलहाल मेरा फैक्ट्रीज एक्ट की सेवा समाप्त, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।